ओके माय स्टूडेंट्स, प्लीज सिट डाउन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो बातें हैं। सर आप इधर आ जाइए, क्योंकि आप फिर माइक के पर भी में आ जाएंगे कैमरे में। तो होता क्या है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। फिर ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी का भी मेल होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों में एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण डेवलप करे और आप सोचने वाले प्राणी बने, जैसा कि हमारा शुरू से ही मोटो रहा है। आज कुछ लोग एब्सेंट हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि रक्षाबंधन का हैंग ओवर से वो नहीं उबर पाए, और कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट हैं जिनको कायदे के हिसाब से नहीं होना चाहिए। बहुत दिन के बाद देखिए वो कहाँ थे। ओहो, तो देखो, जो रोहित लोधा सर हैं, ये ज्योग्राफी के बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही यंग और बहुत डायनेमिक टीचर है। मैंने बहुत काफी खोज कर इनको लाया है, क्योंकि ये ज्योग्राफी के साथ वास्तव में जस्टिस करेंगे। और आपका 26 का जो बैच शुरू होगा, उसमें हमने ज्योग्राफी और इकोनॉमी का ही कॉम्बिनेशन बनाया, बेसिक फाउंडेशन से ही शुरू किया है। ये तो आप लोगों के एक एडवांस फाउंडेशन का एक बैच रखा है, उसको हमारे बेसिक फाउंडेशन से जो आगे बढ़ते जाएंगे ट्रांसफॉर्म, वो सबको एडवांस फाउंडेशन में हम लेते ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। क्योंकि वो जो कि प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना ज्यादा बेहतर होता है। और आप लोग भी गुजर चुके हो, बहुत लोगों को आप लोगों में दिक्कत थी 25 को देना था। तो इसमें मैंने रोहित लोधा सर को एक होमवर्क दिया है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी इससे जुड़े, जो आज यहाँ अवेलेबल नहीं है वो अपना ऑनलाइन देखें या फिर बाद में रिकॉर्डेड को जरूर देखें। हमने रोहित लोधा सर से यही डिस्कस किया, जैसे हमने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी छोड़ा हुआ है, याद होगा, बाल्कन क्वेश्चन तक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें चले जाना है। तो इसमें एक बहुत बड़ी अहम बात होती है कि जो ज्योग्राफी है वो स्पेस दिखाता है और हिस्ट्री टाइम दिखाता है, और दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे का ट्विन ब्रदर है। तो अगर कोई खास कॉन्टिनेंट ज्यादा डेवलप्ड है, कोई पीछे रह गया, यूरोप कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ, आज रोहित लोधा सर आपको बताएंगे, बल्कि दुनिया को कॉलोनाइज किया। नॉर्दर्न अमेरिका है, वहां पर मोनार्की नहीं आई। जो साउदर्न अमेरिका है, वहां उसका सिचुएशन अलग रहा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रिसोर्सेज के लिए ज्यादा मारामारी हुई। तो दुनिया को, उसको आपको कुछ इसेंशियल मैप भी दिखाएंगे। तो क्योंकि इनको पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक बार थोड़ा झलक देनी है, तो ये आपको डिक्टेट नहीं करवाएंगे। आप लोगों को करना क्या होगा, रेगुलर क्लास जो इनका ज्योग्राफी का चलेगा, तब डिक्टेशन देंगे आपको। आप लोगों को थोड़ा उसमें करना ही होगा, कि अगर डिक्टेशन कराएंगे तो इनका काम पूरा होगा नहीं। और मैंने एक ही क्लास में इनको समेटने के लिए ये काम कहा है, क्योंकि ये तो बेसिकली आपको सपोर्ट है ना। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब तो आप डिटेल्स में ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो उस समय आपको डिक्टेट भी करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे। अभी आपको वो जो बताएंगे, तो आप लोग एक काम करना, जो अभी कर लेना, पेन पेपर रखना, और जो घर पर जाके फिर रिकॉर्डेड वीडियो है, उससे जहां जो जरूरी है उसको निकाल के रख लेना, और वर्ल्ड हिस्ट्री वाले कॉपी में उसको एक साइड ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको संभाल के रख लेना। फिर जो इकोनॉमी होगी उसको भी, क्या हिस्ट्री से रिलेशनशिप है वो भी आपको समझना है। फिर ज्योग्राफी का क्लास होगा, उसके बाद इकोनॉमी का उससे क्या है उसको भी समझना है, और थोड़ी सी बौद्धिक जुगाली आप लोग करते रहना। देखो, दिमाग को अगर तुम सोचने की हालत में नहीं दोगे ना, तो इतना सारा कुछ संभाल नहीं पाओगे। बस सबसे बड़ा कैपिटल है आपको सोचना, पढ़ना, रिवाइज करना, सोचना। तो ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा, रोहित लोधा सर को भी मैं कहूंगा कि अब आप शुरू हो जाएं, और बाकी अब आप लोग जैसा हो समझो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, शुरू करें। ठीक है, ये चार्जिंग पे लगा देना यार, कहीं पे चार्जिंग पे लगा देना। आप लोगों की पहले क्लास ली है ना मैंने, सारे नहीं थे उसमें शायद, बट कुछ बच्चे तो थे शायद, देखा देखा सा लग रहा है चेहरा। तो क्या लग रहा है फिर आज की क्लास में, क्या लेने वाले हम लोग, क्या एक्सपेक्टेड आप लोगों को? सर ने जो बोला वो समझा आपको, क्या था, क्या एक्सपेक्टेड है इस क्लास में? हाँ, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। देखो, ऐसे ज्योग्राफी नहीं शुरू होगा, है ना? ज्योग्राफी ऐसे कोई मैं आपको सारे कॉन्टिनेंट्स एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ या मैपिंग करा रहा हूँ, वो नहीं होगा। वो तो हमारा होगा जब ज्योग्राफी के सेशन शुरू होंगे, तो उसमें मैं कवर करवा दूंगा आपका पूरा।
आज ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग असाइनमेंट दिया है सर ने मुझे करने के लिए। सर ने बोला कि बच्चों को मैं हिस्ट्री तो पढ़ा रहा हूं, अब आपको उसमें यूरोप में अलग अलग देश जो है वो कॉलोनाइजेशन क्यों किए, है ना, वॉयजेस क्यों हुए, समुन्द्र के रास्ते से अलग अलग देशों का जो अलग अलग महाद्वीप है, खंड है, उनका एक्सप्लोरेशन कैसे हुआ, उन सारी चीजों के बारे में शायद आपको सर बताएंगे भी, मगर जब तक आपको एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव नहीं आएगा उसके बारे में कि अच्छा कौन सा रीजन कहाँ पर है, इनका दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध क्या था, जब मैं पढ़ता था तो उन चीजों के ना सवाल मेरे माथे में बहुत बार आते थे, बहुत बार वो सवाल घूमते थे कि अच्छा जैसे एक सवाल पूछता हूं मैं आपको कि जो इंग्लैंड है, यूके जो है, उसने नॉर्थ अमेरिका को भी कॉलोनाइज किया बराबर है ना, बट उसने भारत को भी कॉलोनाइज किया था, तो देखा जाए तो भारत और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों कॉलोनीज थी यूके की, बट ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका इतना ज्यादा आगे निकल गया, इतना ज्यादा कि आज यूके से 10 गुना उसकी इकोनॉमी है, 10 गुना से भी ज्यादा शायद, बट इंडिया उतना आगे निकल नहीं पाया, इसके पीछे क्या कारण है, थी तो दोनों कॉलोनी, कॉलोनी थी ना, नॉर्थ अमेरिका भी तो कॉलोनी थी, तो ऐसा क्या हुआ, क्या कारण थे उसके पीछे। यूपीएससी ना ऐसे क्वेश्चन पूछती है कई बार, एक बार जापान और यूरोप के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में सवाल पूछा था, अगर आपने 2013 या 2014 का पेपर देखा होगा तो उसमें एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने कि जापान का जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति जो जापान में हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति में और यूरोप की औद्योगिक क्रांति में क्या फर्क है। अब ये ऐसा सवाल है जो सिर्फ यूपीएससी का बंदा ही आंसर कर सकता है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इस वजह से इसका जो जवाब था ना वो सब मिला के ही आंसर कर पाएगा कोई भी, कि भाई जापान में जो है एक इंसुलर स्टेट है, तो वहां पे आइलैंड है, आइलैंड पे कब्जा करना बहुत कठिन होता है, तो इस वजह से उन पे कॉलोनाइजेशन बहुत ही डिफिकल्ट है, उनको कॉलोनाइज करना। उसी तरीके से यूरोप के जो कुछ कुछ देश है, जैसे यूके, यूके भी वैसे ही स्टेट में एक आइलैंड, आइलैंड बना हुआ है, तो आइलैंड पे राज करना या आइलैंड पे धावा बोलना बहुत ही कठिन होता है, तो इस वजह से उन पे कोई राज नहीं कर पाया, राधर उन्होंने दूसरों पे राज किया, ये एक उसका हिस्टोरिकल कारण है। इसके अलावा फिर वहां पर जो कोस्टल एरिया है वहां पर मछलियां बहुत मिलती है, बहुत सारा जापान के कोस्टल एरिया पे मछलियां बहुत मिलती है, क्यों, क्योंकि वहां पे ओशन करंट्स जो होते हैं, है ना, समुद्र की जो लहरें होती है, धाराएं जो होती है वो मिलती है दो, है ना, आपको पता होगा ओयाशियो करंट, कुरुशियो करंट, तो वो मिलते हैं वहां पे, तो उस वजह से वहां पे मत्स्य उत्पादन बहुत होता है। और उसी तरीके से अगर आप यूरोप के साइड जाओ तो वहां पे कृषि विकास बहुत ज्यादा हो रखा था, तो कृषि विकास में यूरोप ने पैसे कमाए बहुत ज्यादा और उसके बाद उसको औद्योगिक क्रांति में यूज किया, और जापान ने मत्स्य उत्पादन से बहुत सारा पैसा कमाया और बाद में उसको औद्योगिक क्रांति में यूज किया, तो ये डिफरेंस है दोनों केस में, तो ये एक ज्योग्राफिकल कारण हो गया। ऐसे ही आपको ढूंढ ढूंढ के बहुत सारे कारण निकालने पड़ेंगे, है ना। अब ये ऐसे क्वेश्चंस है, ये ऐसे सवाल है यूपीएससी ने पूछे हुए जो किताबों में आपको नहीं मिलेंगे, आज भले ही मिल जाए बट उस वक्त जब पूछा था उससे पहले तक तो हमने कभी देखा नहीं था कि ऐसा कोई सवाल भी पूछा जा सकता है या किताबों में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है नहीं, बट जब तक आप इन चीजों को कनेक्ट करोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। इसी वजह से ये क्लास है जिसमें आपको आज मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा, दुनिया के सारे महाद्वीपों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, मोटा मोटी आपको देशों के बारे में भी जानकारी हो जाएगी, कौन सा देश कहां पर है, उनका हिस्ट्री से क्या लेना देना है वगैरह, इनसे के बारे में आज हम लोग पूरा विस्तारित रूप में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चले फिर शुरू करें। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे यूरोप से, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो इन्होंने ही शुरू किया था, अच्छी बातें बुरी बातें जो भी हुई है पूरे दुनिया के साथ वो इन्हीं से शुरू हुआ है, तो यूरोप से शुरू करते हैं, ठीक है। बस मैं मैप निकाल लेता हूं। वैसे आप लोगों को
वर्ल्ड के बारे में कुछ आइडिया है क्या? कौन कौन से द्वीप कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका कौन सा है, साउथ अमेरिका कहां है, यूरोप है? है ना? किसी को उसमें दिक्कत आती है ना? नहीं, फिर भी आपको है ना एक ओवरऑल एक, मैं अभी ये शुरू करने से पहले क्या करता हूं, आपको सारे जो महाद्वीप है उनके बारे में बता देता हूं एक बार कि कहां कहां पे कौन कौन सा है और पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है कहां कहां पर, जो पठार कहां पर है, प्लेन एरियाज कहां पर है, पर्वत श्रृंखलाएं कहां पर है, उसके बारे में एक पता होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो लेट्स सी। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला ऑस्ट्रेलिया। यूरोप को एशिया से अलग क्या करता है? यूराल पर्वत, बराबर। तो यहां पर एक लाइन से बिल्कुल, जैसे ये सेंट्रल, ये वेस्ट एशिया कहते हैं इसे, ये जो रीजन है ना यहाँ पे सऊदी अरेबिया वाला, इसे वेस्ट एशिया कहते हैं और इसी के ऊपर सेंट्रल एशियन रीजन है। तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है एक लाइन से बिल्कुल, तो इन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम क्या है? यूराल पर्वत। ठीक है, और ये यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं इसे? अल्प्स नहीं, रॉकीज। नॉर्थ अमेरिका में वेस्ट पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर दो माउंटेन्स है। पश्चिम की ओर जो माउंटेन है उसका नाम है रॉकीज। डिटेल में और बताऊंगा मैं आपको कि और कौन कौन से वहां पे पर्वत है। तो ये है रॉकीज, ये क्या है? एंडीज। एंडीज की क्या खासियत है? सबसे लंबी, सबसे ऊंची है क्या? नहीं, सबसे ऊंची कौन सी है? हिमालय। एवरेस्ट एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला की अगर बात करो तो हिमालय सबसे ऊंची है, इसके बाद आता है सबसे लंबी जिसमें है एंडीज। ठीक है, चलो अब यहां पे यूराल है, किसी ने एल्प्स का नाम लिया, एल्प्स का। अच्छा, एल्प्स से पहले ये कौन सा माउंटेन है यहां पे, कौन सी पर्वत है ये? एपलेशियन, एल्प्स नहीं है, एपलेशियन माउंटेन। क्या खासियत है वैसे एपलेशियन माउंटेन की? सबसे प्राचीन, इससे प्राचीन और कुछ नहीं है इस धरती पे। सबसे पहले कौन सा बना था धरती पे माउंटेन? एपलेशियन माउंटेन। ठीक है, ये अब कभी भी किसी जगह पर अगर हमें खनिज संसाधन ढूंढना है तो उसके कुछ तरीके होते हैं कि किस किस जगह पे, सारी जगह पे खनिज संसाधन नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसी जगह है जो फिक्स्ड है उसी जगह पे खनिज मिलेगा आपको। तो उसमें से एक कंडीशन जो होती है, वो कंडीशन होती है ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो बहुत ज्यादा, जिसका विदरण हो चुका है, टूट चुकी है बहुत ज्यादा, जो ताकि उसके अंदर जो मिनरल रिसोर्सेस है, जो उसके अंदर खनिज संसाधन है, वो छुपे हुए बाहर निकल के आ जाते हैं। ये सेम भारत में कहां पर होता है? अरावली में होता है, क्योंकि अरावली भी पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, धीरे 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 टूटता टूटता, फिर अभी उसके अंदर के जो खनिज है वो निकल के आ चुके हैं बाहर, है ना, इसीलिए हम लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहां पर है एपलेशियन माउंटेन्स। ठीक है, यहां पर कोई माउंटेन सिस्टम है क्या? नहीं, यहां पर कोई नहीं है। यहां पे कौन सा है, क्या नाम है इसका? कॉकेशियस? नहीं नहीं, एल्प्स, एल्प्स माउंटेन। अब एल्प्स माउंटेन जो है उसकी कई सारी अलग अलग ब्रांचेस निकल के आई हुई है, ब्रांचेस कि यहां पे उसको पायरिनीज कहते हैं, है ना, यहां पर उसको कॉकेशियस कहते हैं, जो एशिया और सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच में उसे कॉकेशियस कहते हैं। तो ऐसे कुछ माउंटेन्स अलग अलग है, बट ओवरऑल इन सबको मिला के क्या कहते हैं?
एल्प्स माउंटेन रीज। एल्प्स के ही ईस्ट में अगर चलते चले जाओगे तो यहां पर जो पर्वत श्रृंखला है उनका नाम क्या है, हिमालयस, है ना, हिमालयन माउंटेन सिस्टम है। इसी के ऊपर, हिमालयन के ऊपर क्या क्या है, ट्रांस हिमालय, तो चलो हिमालय में ही मान लिया हमने, कुनलुन शान, टियान शान, पता है ना। बस आपके, मैं क्यों बता रहा हूं ये, आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा, समझ में आएगा कि कहां कहां पर क्या है। आपको समझ में तो आना चाहिए पहले, मैं आपसे डिस्कशन शुरू करूं उससे पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये कुनलुन शान, टियान शान ऊपर की तरफ है यहां पे, ठीक है। यहां पर कुछ छोटी छोटी श्रृंखला है जिसका नाम याब्लो नोवा है, स्टेलो नोवा है, जो साइबेरियन रीजन में, साइबेरिया कहां पर है, रूस में है, रशिया में। तो रशिया जो एक बहुत बड़ा देश है उसका करीब करीब 70% पार्ट जो है वो साइबेरिया का बना हुआ है, पूरा ठंडा प्रदेश, वहां पर कुछ भी रहने लायक सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, दुनिया का एक कोल्ड पोल कहा जाता है उसको, बहुत ही ठंडा प्रदेश है वो। तो ये है साइबेरियन रीजन, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंजेस है, यहां पर भी एक माउंटेन रेंज है, क्या नाम है उसका, एटलस माउंटेन। ये जो एटलस माउंटेन बताया क्या है, वलिय पर्वत होते हैं, समझ में आते हैं सबको, वलिय पर्वत जो होते हैं, ये वलिय पर्वत है, ये कौन सा, ये एल्प्स, एल्प्स की कई सारी अलग अलग ब्रांचेस जो निकल के आई है, वही ब्रांच यहां से निकल के धीरे समुन्द्र के रास्ते से आती है बाहर और ये बनाती है यहां पर, इसका नाम है एटलस माउंटेन। तो एटलस माउंटेन जो है वो एल्प्स का ही एक एक्सटेंशन कहा जाता है, कि एल्प्स से ही निकल के आई हुई, उसका नाम है एटलस माउंटेन, क्या वो भी फोल्ड है, फोल्ड माउंटेन, उसी को वलिय पर्वत कहते हैं, जो फोल्ड माउंटेन है यहां पर, एटलस माउंटेन। ये भी फोल्ड माउंटेन है, ये भी फोल्ड माउंटेन है, ये भी फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। कुछ फोल्ड माउंटेन नए होते हैं, कुछ फोल्ड माउंटेन पुराने होते हैं, एपिलेशन जैसे पुराना है, इसके बाद में हमारा जो अरावली है यहां पर, अरावली पुराना है, तो ये पुराने माउंटेन। यहां पर भी एक माउंटेन रेंज है, क्या नाम है उसका, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है ये भी। इनका क्या खासियत है, ये दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी एपिलेशन, दूसरी कौन सी है, स्कैंडिनेवियन, और तीसरी कौन सी है, अरावली। ये तीनों की तीनों जो है आज के करीब करीब 1 बिलियन साल पहले बने थे, मतलब यही बने थे सबसे पहले जब धरती बन रही थी, वो पैंजिया जब बन रहा था, पैंजिया नाम सुना है ना आपने, जब पैंजिया बन रहा था ना, तो उस वक्त सबसे पहले यही तीन माउंटेन सिस्टम्स बनी थी धरती के ऊपर, ठीक है, एपिलेशन जो नॉर्थ अमेरिका में, देन स्कैंडिनेवियन यहां पर, और हिमालयन सिस्टम यहां पर, ठीक है। दुनिया में 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है, क्या नाम है उनका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब महाद्वीप सबको पता है। एक एक करके एक एक महाद्वीप लेते हैं और उसको हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके देखते हैं, उनका हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले, हाँ जी बताओ जी, एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जहां पे सारे लोग एक्चुअली वहां, उनके जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो वहीं पे रहती है, ये यूराल के पास, मॉस्को भी वहीं पर है, जो उनकी राजधानी है वो भी वहीं पर है, और वो यूरोप में मानी जाती है, बचा हुआ सारा पार्ट जो है वो एशिया में माना जाता है, ठीक है। बट क्या रशिया अकेली ऐसी, अकेला ऐसा देश है क्या जिसका कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में, नहीं, और भी है, कौन सा है, टर्की भी है ना, टर्की भी ऐसा ही है। चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग यूरोप से, यूरोप के अगर देशों को आप देखो यहां पे, तो पहले देशों की जानकारी लो कि कौन कौन सा देश कहां कहां पर है, और इसी के साथ आपके हिस्ट्री में आपने जो एम्पायर पढ़े थे अलग अलग, आपने कौन कौन से एम्पायर पढ़े वैसे हिस्ट्री में, एक तो था आपका रोमन एम्पायर, करेक्ट, ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरा था बाइजेंटाइन एम्पायर, और तीसरा
ऑटोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर फॉल होने के बाद जो बना था उसका नाम था बाइजेंटाइन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो है वो दो पार्ट में टूटा था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर टिक नहीं पाया, खत्म हो गया, आपसी झगड़ों की वजह से खत्म हो गया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है ना वो टिका, 1000 सालों तक टिका गया, और उसी को फिर बाद में क्या नाम दिया गया, बाइजेंटाइन एम्पायर। तो बाइजेंटाइन एम्पायर इसका मतलब ही ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। अब ये बाइजेंटाइन एम्पायर जब गिरा, ये जब हारा, तो उसके रुइंस पे कौन डेवलप हुआ, ऑटोमन एम्पायर निकल के आया। और ये ऑटोमन एम्पायर का हमारे हिस्ट्री से क्या ताल्लुक आता है, क्या क्या है इसका रिलेशन, ऑटोमन एम्पायर कब तक था, करीब करीब कौन से 20th सेंचुरी तक था, ये अर्ली 20th सेंचुरी तक, 1914 में कहीं तो ऑटोमन एम्पायर गिरा था और उसके टुकड़े हुए और कई सारे देश बने थे। अब ये जो है ना, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, अब इसको अगर आप ये देखें कि कौन कौन से देश बने थे, कौन कौन से देश है, ये आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देता है कि आप अगर यूरोप के पास देखो तो यूरोप में ऐसा क्या है कि पश्चिमी यूरोप जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है, और पूर्वी यूरोप के पास देखोगे आप तो पूर्वी यूरोपियन जो देश है वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। बात सही है ना, आपने नोटिस किया ही है, जब भी डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, संसाधन की बात होती है, मिनरल संसाधनों की बात होती है, औद्योगिक क्रांति की बात होती है, तो हम लोग हमेशा यूके की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे, स्पेन, इटली, जर्मनी, इन्हीं की बात होगी। आप अगर इतना तक देखो कि जर्मनी में भी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आप जब पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि पश्चिमी जर्मनी जो है वो ज्यादा डेवलप था और पूर्वी पूर्व वाला जर्मनी जो है उसकी डेवलपमेंट कम थी। दोनों मिलने के बाद तो चलो सब एक ही हो गया वो, मगर पूर्वी जर्मनी कम डेवलप था। इसी तरीके से अगर आप इटालियन यूनिफिकेशन आपने जब पढ़ा होगा तो आपने देखो साउथ, दक्षिणी इटली का जो रीजन था उसकी डेवलपमेंट कम थी और पूर्वी इटली जो रीजन था उसकी डेवलपमेंट ज्यादा थी। अब इसके पीछे क्या क्या कारण थे, उनके कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे, वो तो आपने हिस्ट्री में चलो पढ़े ही होंगे, उसके पीछे ज्योग्राफिकल कारण क्या थे वो भी देखते हैं अभी यहां पर, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो कि कौन कौन सी कंट्रीज कहां कहां पर है। तो पोर्चुगल, आप एक नजर डाल लो उसके ऊपर, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी की बॉर्डर देखो बिल्कुल अगल बगल में, क्या ये चीज बताती है कि इन दोनों देशों के बीच में झगड़े इतने ज्यादा क्यों हुए हैं हिस्टोरिकली, वर्ल्ड वॉर वन से पहले इनके बीच में सुना है ना आपने जर्मनी और फ्रांस के कितने झगड़े, एल्सेस एंड लॉरेन वाला जो रीजन है उसको हथियाने के लिए कितना झगड़ा हुआ हुआ है। इसमें ऐसा हुआ था कि नाजी जर्मनी को जब अपने उनके ना एक हिटलर की एक विचारधारा थी जिसमें वो बोलता था कि कोई एक देश जो होता है ना वो एक जानवर की तरह होता है, जैसे हर जानवर को खाने के लिए कुछ ना कुछ लगता है तभी वो जिंदा रह पाएगा, उसी तरीके से एक देश जो होता है, एक प्राण जो होता है, उसके जिंदा रहने के लिए उसको कोई ना कोई मिनरल संसाधन की जरूरत होती है, खनिज संपत्ति की जरूरत होती है, तभी वो डेवलप हो पाएगा, नहीं तो कोई और उस पर राज कर लेगा। तो इसी वजह से अगर उसको बचे रहना है तो उसे किसी और के ऊपर जाके राज करना पड़ेगा, किसी और जगह को जाके जीतना पड़ेगा, तभी वो जिंदा रह सकता है। तो इसी लॉजिक के चलते वो अलग अलग देशों पे आक्रमण करता था और उनको जीतता चला गया। अब क्योंकि फ्रांस उसके इतने करीब है बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है, जाके सीधा किसी और देशों पे आक्रमण करेगा, इससे अच्छा तो आसपास के देशों पे ही वो पहले आक्रमण करेगा ना। तो उसने फ्रांस को सबसे पहले आड़े हाथ लिया और उसके बाद यहां पर एक एल्सेस एंड लॉरेन वाला रीजन है बिल्कुल बॉर्डर पर, उसको हथियार लिए। एल्सेस एंड लॉरेन वाला जो रीजन है ये मिनरल रिसोर्सेस यहां पर बहुत सारे हैं, डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है ये, तो उसको उन्होंने हथियार लिया। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी हारा तो उसको नीचा दिखाने के लिए और उससे बदला लेने के लिए बहुत ही खराब तरीके से उससे वापस एल्सेस एंड लॉरेन फ्रांस ने वापस लिया था। तो ये एक हिस्ट्री है उसके पीछे।
तो ये दोनों अगल बगल में यहां पे, तो पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन्हीं दोनों के बीच में यहां पर देखो दो छोटे देश है, यहां पे बेल्जियम और नेदरलैंड। आप एक बार देशों को देखना कि देश कहां कहां पर है, उनको याद कर लो कि कौन कौन से देश कहां पर है, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में। तो बेल्जियम है यहां पे, नेदरलैंड है, फ्रांस, जर्मनी। तो सबसे पहले हमने शुरू किया पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड। उसी के साथ साथ और एक देश है यहां पे, अगर आप ठीक से देखो तो ये देखो छोटा सा, क्या नाम है इसका, लग्जमबर्ग। ठीक है, तो तीन छोटे छोटे देश आते हैं फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक है, अब और थोड़ा ईस्ट में जाओ, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन। पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, यूक्रेन इन दिनों आपने काफी नाम सुना होगा, है ना, न्यूज में। ये भी देख लो कि यूक्रेन का नाम इतना ज्यादा क्यों है, ब्लैक सी के बिल्कुल करीब है, रशिया से उसकी बॉर्डर लगी हुई है। तो पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन। अब जर्मनी और पोलैंड और चेक रिपब्लिक के नीचे दो कंट्रीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कंट्रीज है यहां पे, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। और उसी ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के नीचे एक कंट्री है जिसका नाम है इटली। इटालियन यूनिफिकेशन में ऑस्ट्रिया का एक बहुत बड़ा रोल था, ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस था बेसिकली, ये रोकता था, इसके वजह से ही इटालियन यूनिफिकेशन हो नहीं पा रहा था। अगर आपने, आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इटालियन यूनिफिकेशन इसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, ऑस्ट्रिया की वजह से, देखेंगे आगे देखेंगे। अब इसके बाद यहां पर आती है ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज। आपने एक टर्म सुनी होगी सर के मुंह से, बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन क्या है, ये बाल्कनाइजेशन या बाल्कन समस्या जिसे कहते हैं, बाल्कनाइजेशन का है मतलब क्या है, क्या किस अर्थ से इसको यूज किया जाता है? बाल्कनाइजेशन मतलब ऑटोमन के जब विभाजन हुए थे बहुत सारे, छोटे 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 टुकड़ों में टूटा था वो, तो उन टुकड़ों को, वो जो टुकड़े हुए ना, उस टुकड़े होने की जो प्रोसेस है उसे बाल्कनाइजेशन नाम दिया गया। तो बाल्कन ये वर्ड कहां से आया, बाल्कन पर्वत है यहां पे, बाल्कन माउंटेन्स है। यहां पर एक देश है जिसका नाम है बल्गेरिया, इसमें है वो बाल्कन माउंटेन। तो पहले ज्योग्राफर का ये मानना था कि यहां का जो बाल्कन माउंटेन है ये इस रीजन का सबसे बड़ा माउंटेन है, वैसा है नहीं, एल्प्स वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा है, बट बाल्कन को सबसे बड़ा माना जाता था। तो उस एरिया में रहने वाले सारे जो देश थे उनको बाल्कन कंट्रीज का कहने जाने लगा। यहां तक कि ये जो पूरा पेनिनसुला है ना, इसे बाल्कन पेनिनसुला कहा जाने लगा। किसी भी एंगल से ये पेनिनसुला की तरह दिखता है क्या? पेनिनसुला नहीं है ये, देखा जाए तो ये है पेनिनसुला, इटली, इटली जो है ना ये है पेनिनसुला। ये जो ग्रीस है, अगर सिर्फ ग्रीस ग्रीस को आप देखो तो ये है पेनिनसुला, इसको पूरा की पूरा ये रीजन है, इसको एकदम टिपिकल पेनिनसुला नहीं कहा जाता। पेनिनसुला समझ में आता है ना, ऐसा जमीन का भाग जो तीन जगह से पानी से घिरा हुआ हो, बट चूंकि ये बिल्कुल एकदम पेनिनसुला जैसा नहीं दिखता, इस वजह से इसको पेनिनसुला नहीं, तो बाल्कन पेनिनसुला ये भी एक नया वर्ड निकल के आया था कि बाल्कन एक पेनिनसुलर रीजन है। बट देखा जाए तो बाल्कन ऐसा पेनिनसुला नाम कुछ नहीं होता, बाल्कन पेनिनसुला कुछ नहीं है, बट यहां की जो सारी कंट्रीज दिख रही है ना आपको, ये सारी कंट्रीज जो है ये बाल्कन कंट्रीज है। तो देखते कौन कौन सी है, इसके लिए ना एक क्या कहते हैं उसे, न्यूमोनिक है, यूरो स्लोको बोसे मोको अल्मा बुटू, ये एक याद रखना इस तरीके से, यूरो स्लोक्रो बोसे मोको अल्मा बूटू। चार पांच बार बोलोगे, छह सात बार याद करोगे उसको, तो अपने आप ये याद हो जाएगा। ठीक है, यूरो स्लोक्रो कहां से आता है, यू स्टैंड्स फॉर यू, हंगेरी, यू और सारा एकदम लाइन से लिखा हुआ है, यू रो हंगेरी, रोमेनिया, स्लो क्रो स्लोवेनिया, देखो ये नीले कलर का जो दिख रहा है ना, ये स्लोवेनिया है, यहां पर लिखा हुआ है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, यूरो स्लोक्रो। उसके बाद में बोसे, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोको, मोको मतलब यहां पर होगा देखो मॉन्टेनिग्रो और कोसोवो, ये दिख रहा है मॉन्ट दिख रहा है आपको, मॉन्ट लिखा हुआ है, और कॉस, तो मॉन्टेनिग्रो और कोसोवो, अल्मा, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, बूटू, बल्गेरिया,
सारा एक लाइन से है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि कोई रैंडम लिखा हुआ है, एक लाइन से यू रो स्लो क्रो बो से मोको अल्मा बुटू, चार पांच बार बोलोगे तो आपको अपने आप वैसे याद हो जाएगा ये, ठीक है। और बचा हुआ नीचे जो है ये ग्रीस, ये सारे जो देश है ना यहाँ पे, ये सारे देश जो है वो ओटोमन एम्पायर के टूटने की वजह से बने थे, तो ये बाल्कन कंट्रीज कही जाती है, ठीक है। अब आपको थोड़ा आइडिया होगा क्या कौन कौन सी कंट्रीज कहां पर है। ऊपर देखो आप एक बार, ऊपर कौन सा दिख रहा है, इसके लिए मैंने एक है ना न्यूमोनिक बनाया हुआ है, नो स्विम विदाउट फिन, नो स्विम विदाउट फिन, नो स्टैंड्स फॉर नॉर्वे, स्विम विदाउट फिन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, एक लाइन में नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड। और इसके अलावा इसके ये यूरोप नाम लिखा है ना, इसके पीछे कंट्री छुपी हुई है, क्या नाम है उस कंट्री का, आइसलैंड, ग्रीनलैंड नहीं, आइसलैंड, आइसलैंड के बगल में ग्रीनलैंड है, यहां पर एक ट्रायंगुलर जो एक बहुत बड़ा लैंड है उसे ग्रीनलैंड कहते हैं, बट ये आइसलैंड है यहां पर, ठीक है। चलो इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्री छूट गई, ये देखो ये एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया, एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया, और यहां पर ना देखो ये कुछ तो है, इसका नाम क्या है, कैलिनग्राड, कैलिनग्राड, कैलिनग्राड जो है वो रशियन टेरिटरी है, जो रशिया के मेन जमीन जो एक कंटिन्यूस जमीन जो है ना उसका भाग नहीं है, वो टूटा हुआ पार्ट है वो जो यूरोप के अंदर है, तो ये है कैलिनग्राड, इसे कैलिनग्राड कहते हैं जो रशिया का है, ठीक है। तो एस्टोनिया लाटविया लिथुएनिया और ये हो गया कैलिनग्राड। एक बार फिर से, सबसे पहले आपने देखा पोर्चुगल, पोर्चुगल स्पेन फ्रांस, इसको ना मैं ऐसे याद करता हूं हर बार कि भाई पोर्चुगल का तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो पोर्चुगल का है, उसी के बगल में स्पेन तो बार्सिलोना से लियोनेल मेसी खेलता था, तो राइवलरी है ना दोनों के बीच में, फुटबॉल अगर देखते होंगे तो ये, नहीं भी देखते होंगे तो ये दो नाम तो सभी को पता होते हैं जनरली, रोनाल्डो और मेसी। रोनाल्डो कहां से है, पोर्चुगल से, तो पोर्चुगल से शुरू किया हमने, इसके बाद आया मेसी, मेसी वैसे है अर्जेंटीना का मगर खेलता है वो बार्सिलोना से खेलता था पहले, तो वो कहां पर है, बार्सिलोना स्पेन, तो पोर्चुगल के बगल में स्पेन आ गया, बट अब उसने बार्सिलोना छोड़ दिया और वो पीएसबी कुछ तो है वहां से खेलना शुरू कर दिया, तो भाई वो किसके बगल में, वो कहां पर है, फ्रांस, तो स्पेन के बगल में अब वो आ गया फ्रांस में। तो इस तरीके से मैं थोड़ा याद रखता हूं एक सीक्वेंस में याद करने के लिए, पोर्चुगल स्पेन फ्रांस। अब जब भी इस फ्रांस को इसके साथ प्रॉब्लम होती थी, दोनों के जब भी झगड़े होते थे तो फ्रांस जाता था अपने बिग ब्रदर के पास जो ऊपर बैठा हुआ है ना, हमेशा यही तो होता था कि जब भी उसको जर्मनी से कोई दिक्कत हो रही है, कोई भी जर्मनी ने उस पर आक्रमण किया है कुछ भी किया, तो वो जाता था उसके अलाय से मदद लेने के लिए जो ऊपर बैठा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के बगल में आयरलैंड, ठीक है। चलो फ्रांस जर्मनी, बट इन दोनों के बीच में ना तीन देश ऐसे हैं जो फालतू में उनका कचुमर होता है, उनका कोई लेना देना नहीं झगड़ों में, वो उनको हमेशा पढ़ना पड़ता है, तो कौन से तीन देश हो गए वो, नेदरलैंड बेल्जियम लग्जमबर्ग, नेदरलैंड बेल्जियम लग्जमबर्ग, नेदरलैंड या फिर उसको ना हॉलैंड भी वर्ड यूज किया जाता है, हॉलैंड, तो आपने कभी ये सुना होगा कि हॉलैंड भी एक कोई देश है, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, नेदरलैंड के लोगों को हॉलैंड भी कहा जाता है, तो हॉलैंड है ये, सो नेदरलैंड बेल्जियम है ये, लग्जमबर्ग जर्मनी आ गया, यहां पे फ्रांस जर्मनी। अब जो ये जर्मनी है, जर्मनी के ईस्ट में पूर्व की तरफ आएगा पोलैंड, पोलैंड के नीचे आएगा चेक रिपब्लिक, और यही जर्मनी के नीचे दो देश आ गए वापस, कौन से दो देश आ गए, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। बस ध्यान दो बोर्ड पर थोड़ी देर ध्यान दो, आपको बाद में फिर चीजें थोड़ी अच्छे समझ में आएगी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, इसी स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया के नीचे जो देश है उसका नाम क्या है, इटली, ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। अब पोलैंड आ गए अपने, पोलैंड तक, पोलैंड के ईस्ट में जाओ बेलारूस, बेलारूस के नीचे यूक्रेन। अब ये आ गया, अब यहां की कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा भसड़ मची हुई है, बिल्कुल एकदम समझ ही नहीं आता कि कौन कहां पर है, तो उसके लिए फिर हमारा सिंपल न्यूमोनिक हमेशा काम आएगा,
ऊपर से शुरू करो, यू रो, स्लोक रो, बोसे, मोको, अल्मा, बुटू, इस तरीके से यू रो, स्लोक रो, बोसे, मोको, अल्मा, बुटू। तो हम लोग बिल्कुल टर्की तक आ गए। टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। सिक मैन ऑफ यूरोप, इसका मतलब क्या है? यूरोप का वेस्टीज पार्ट है वो बेसिकली, मतलब यूरोप का ऐसा देश जो बहुत ज्यादा यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से डेवलप नहीं हो पाया, है ना। जबकि एक वक्त ऐसा था कि टर्की की जो राजधानी है, राजधानी तो नहीं खैर चलो, उसका जो इंपॉर्टेंट शहर कह सकते हैं, राजधानी नहीं है, अंकारा उसकी राजधानी है, मगर उसका जो एक इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल, इस्तांबुल जो पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, वो राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? ऑटोमन एम्पायर की राजधानी थी ना कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना। कॉन्स्टेंटिनोपल कहा था? इस्तांबुल को ही तो कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, ये था कॉन्स्टेंटिनोपल, सही है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट देश होने के बावजूद, इतना इंपॉर्टेंट रीजन होने के बावजूद अगर आप आज देखो तो ये देश को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो नहीं पाया। चलो क्यों हुआ वो देखते हैं, देखते देखते ये सारे कारण बताऊंगा मैं आपको अभी क्या था। उसके ऊपर आ जाओ, ये तीन देश आ गए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, और नो स्विम विदाउट फिन तो मैंने आपको बता ही दिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और इसके पीछे छुपा हुआ है आइसलैंड। चलो ये तो आप लोगों को अभी देशों की जानकारी हो गई कि कौन सा देश कहां पर है। अब इसकी ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा समझो। अगर आप यूरोप को देखो, इसका एक फिजिकल मैप निकालता हूं मैं ताकि अगर आप इसका फिजिकल मैप देखोगे यूरोप का, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो देश है जिसे हम लोग पश्चिमी यूरोपियन देश कहते हैं, ये देश जो है इनके इनके इस साइड में एक महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन जिसे कहते हैं। तो इसका क्या फायदा हुआ इन देशों पे, इन देशों को इसका क्या फायदा हुआ? यहां से जो पश्चिमी पश्चिमी क्या कहते हैं उसे, विंड जो नहीं, व्यापारी विंड तो नीचे है, ट्रेड विंड अलग है, एक है पश्चिमी विंड जो है जिसका नाम है वेस्टर्ली जिसे कहते हैं, वो इधर से आते हैं ना, जब वो यहां से आते तो ये अपने साथ क्या लेके आते हैं, देखो विंड जब बहते हैं तो ऐसे बहते हैं, देखो ये यहां से, पश्चिमी वाले जो होता है ना, ये वाले वैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, जब वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो वो कहां से, अटलांटिक महासागर से अपने साथ पानी लेके आ रहा है वो, और वो पानी जैसे ही लैंड की तरफ आएगा तो बारिश देगा। तो सबसे पहले बारिश कहां पर होगी, पश्चिमी दिशा में होगी कि पश्चिमी जमीन पर होगी कि पूर्व वाले जमीन पे होगी, पश्चिम वाले जमीन पे होगी। तो सबसे ज्यादा बारिश होती है यूके में, स्पेन, फ्रांस, है ना, जर्मनी, इन देशों में ज्यादा बारिश होती है, और उसके बाद धीरे 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 यही बारिश जो है वो आगे चलते चले जाते हैं, ये विंड जो है वो आगे चलते चला जाता है। अब देखो जो विंड होता है वो अपने अंदर कुछ मॉइस्चर बना के रखता है, उसने अपने मॉइस्चर को अपना मॉइस्चर शेड कर दिया, वो बारिश उसने जहां पर दे दी तो उसके मॉइस्चर की, उसके अंदर जो आर्द्रता है उसकी, वो कम 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 होती चली जाती है, और उस वजह से उसकी बारिश जो, उसकी वजह से जो होने वाली बारिश है वो बारिश भी कम कम होती चली जाएगी। इसी वजह से जो पूर्वीय प्रदेश जो है, पूर्व का जो रीजन है, यहां पर बारिश होती है कम। तो आप मुझे बताओ खेती के हिसाब से कौन सी जगह ज्यादा फेवरेबल होगी, पश्चिम, क्योंकि वहां पर बारिश ज्यादा हो रही है, और पूर्व की तरफ बारिश जो है वो कम हो रही है। अब यही लॉजिक अगर हम भारत में लगाए तो कोई बच्चा पूछ सकता है कि नहीं सर भारत में तो ये लॉजिक फिर तो उल्टा पड़ गया, क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे तो उत्तर की तरफ बारिश कम होती है और दक्षिण की तरफ बारिश ज्यादा होती है, इसके बावजूद
भारत में यह स्थिति है कि उत्तर वाला जो रीजन, उत्तर वाला जो प्रदेश है, उत्तर वाला जो रीजन है पूरा अपना नदन प्लेन जो है वो सबसे ज्यादा खेती के हिसाब से सबसे अच्छा है ना। बट ऐसा क्यों, हमारा ऐसा क्यों है यहाँ पे कि बारिश उत्तर की तरफ कम होने के बावजूद यहां पर खेती सबसे ज्यादा डेवलप, ऐसा क्यों? क्योंकि नदियां, होता क्या है कि हिमालय में बर्फबारी होती है विंटर सीजन में, जो बर्फ, आप इधर ध्यान दो बेटा, इधर ही देखो बस, मतलब नहीं तो फिर वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा आपका। तो ये जो हिमालयन रीजन है, हिमालय में जब ठंड का मौसम होता है तो उस वक्त स्नोफॉल होता है वहां पे, वो बर्फ जो वहां पे जमी रहती है तो गर्मी के मौसम में वही बर्फ पिघल के नदियों को पानी देती है और वो नदियां जो है वो हमारे उत्तरी भारत रीजन में बहती है और उसी के पानी से फिर खेती होती है, ठीक है। तो ऐसे ही देखा जाए तो कोई बारिश की जरूरत है नहीं, इतना पानी है कि बारिश ना भी आए एक साल पूरी तो भी यहाँ पे खेती को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले जगह पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो फिर यहां पर ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग कह रहे हैं कि भाई यहां पर बारिश ज्यादा है इस वजह से यहाँ पे खेती ज्यादा अच्छी होगी, और यहां पे जितना आप ईस्ट की तरफ जाओगे, पूर्व की तरफ जाओगे, यहां पर बारिश कम है तो खेती वहां पे कम कम होती चली जाएगी। तो इसके पीछे कई सारे कारण है, एक कारण तो ये भी है कि जो नदियों की हम लोग बात कर रहे हैं वो नदियां भी पश्चिमी दिशा में ही ज्यादा है, पश्चिमी जो रीजन है यहां पर, यही पर अगर आप देखो तो कितनी सारी नदियां है। देखो सेन, आपको दूसरा मैप बताता हूं, फिजिकल मैप, उसमें शायद ज्यादा अच्छे से बताया होगा। हाँ, इसमें दिख नहीं रहे, चलो इसे मैं बता देता हूं मैं आपको कौन कौन सी नदियां है। अगर आप इसमें देखो तो देखो ये दौरो, एब्रो, वियन, सेन, राइन, वेजर, एल्ब, आप जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियों की बात करोगे, यहां पर थेम्स है यूके के अंदर, ऑडेर, विस्चुला, मतलब ये पूरा जो वेस्टर्न यूरोपियन पार्ट है ना, यहां पर सबसे ज्यादा नदियां, और जितना जितना आप ईस्ट की तरफ जाते जाओगे नदियां कम 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 होती चली जाती है। और आप अगर यूरोप को देखो तो यूरोप जो है वो ऐसा सीधा नहीं है, ऐसा ऊपर की साइड में गया हुआ है, तो इसी वजह से क्या होता है ये पार्ट जो है ये ठंड के मौसम में भी यहां पर क्योंकि ये जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके करीब है ये वाला पार्ट, और जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये ऊपर पोल के करीब आते चला जाएगा ये वाला पार्ट। तो इस वजह से क्या होता है यहाँ की नदियां जो है वो ठंड के मौसम में भी पिघलती, ये जमती नहीं है, वो पिघली हुई रहती है, तो उसके अंदर पानी होता है। और आप अगर यहाँ की नदियों में देखोगे, ऊपर वाली नदियों में, तो ये जम जाती है ठंड के मौसम में, तो इसी वजह से पानी की उपलब्धि जो है वो इतनी आसान नहीं हो पाती जो पूर्वी देश है उनके लिए। तो इसी वजह से यहां पर जो खेती है वो उतनी डेवलप नहीं है जितनी पश्चिम की ओर है। चलो ये तो एक ज्योग्राफिकल रीजन हुआ, इसके अलावा और क्या कारण है कि अगर हम यूरोप को देखें तो पश्चिमी यूरोप जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है उत्तरी पूर्वी यूरोप से, है ना। अब इसके पीछे कारण ये था कि जो आप पूर्वी यूरोप की तरफ देखो तो वहां पर है ना मोनार्कीज बहुत दिनों तक रही, और जब वो टूटी तो आपस में इनके झगड़े भी बहुत दिनों तक होते रहे। जहां पर भी झगड़े ज्यादा होंगे और छोटे 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 फ्यूडल स्टेट्स डेवलप होते चले जाएंगे। फ्यूडल समझ में आता है आपको, फ्यूडल स्टेट क्या होता है? एक होता है मोनार्की जिसमें एक राजा होता है जो सब पे राज करता है, और फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं कुछ कुछ, कि जैसे एक मोनार्की के अंदर छोटे छोटे प्रदेशों को भी गवर्न करने वाले कुछ कुछ लॉर्ड होंगे, छोटे छोटे राजा होंगे, जो इतने एक प्रदेश को एक राजा ने लेके बैठा हुआ है, छोटा राजा होगा, तो इनको फ्यूडल लॉर्ड्स कहते हैं। तो ये सामंत, हाँ सामंत जिसे कहते हैं, तो जो सामंत होते हैं ना, तो ये सामंतवाद यहाँ पे सबसे, यहाँ पे काफी दिनों तक था ईस्टर्न पार्ट पे पूर्वी राज्यों में, तो इसी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो नहीं पाई, क्योंकि ये रीजन जो है वो रशिया के काफी करीब है, रशिया के करीब होने की वजह से यहाँ पे सोशलिज्म का प्रभाव जो है वो बहुत दिनों तक दिखाई दिया। जो सोशलिज्म है तो वो
जो कैपिटलिस्टिक टेंडेंसीज जो होती है, कैपिटलिज्म समझ में आता है, सोशलिज्म कैपिटलिज्म, तो सोशलिज्म यहां पर होने की वजह से यहां पर जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में डिफरेंस ये है कि ये मार्केट के हिसाब से चलता है कैपिटलिज्म, और सोशलिज्म जो होता है वहां पे क्या होता है कि स्टेट डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्शन होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, किस में हमने ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो जैसे वहां पर यह बोला जाएगा कि इस साल हमारे खेतों में सिर्फ गेहूं लिया जाएगा, या हमने ये पांच अनाज बोल दिए, गेहूं चावल और ज्वार, बस इन्हीं का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो सारे किसानों के लिए ये कंपल्शन हुआ करता था कि मार्केट में किसी दूसरे धान का अगर भाव अगर ज्यादा भी होगा तो उनको यही जो है अनाज लेना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण था कि जिस वजह से मार्केट की डिमांड के हिसाब से उनको अपना प्रोडक्शन नहीं करते आया ईस्टर्न वाले जो प्रदेश है उनको। तो इसी वजह से यहां पर किसानी जो खेती है ना, खेती का डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हो नहीं पाया। अगर आप वेस्ट की तरफ जाओ, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम में क्या हुआ, यहां पर कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, पूंजीवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली गई उस हिसाब से, मार्केट के हिसाब से यहां पे किसान जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, उसका भी डेवलपमेंट हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद जब अलग अलग क्या कहते हैं उसे टेक्नोलॉजीज डेवलप होती चली गई, तो वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट खेती में भी दिखाई दिया। उन्होंने अलग अलग ट्रैक्टर्स थ्रेशर्स वगैरह जो एक टेक्नोलॉजी लाई जाती है खेती में वो भी लाई, तो इस वजह से इनका प्रोडक्शन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी के साथ साथ जो जो पश्चिमी जो यूरोप के जो देश है, इन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि उनकी जो देश की रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट के लिए, उनको कॉलोनीज बहुत सारी लगेगी। तो यह इस वजह से जो कॉलोनीज मिलाने के लिए जो सबसे पहले जो हलचल शुरू हुई थी वो पश्चिमी यूरोप की तरफ हुई थी, उत्तरी पूर्वी यूरोप की तरफ नहीं हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि आप अगर देखो तो कोस्टल एरिया जो है, पानी का रास्ता जो है, वो पश्चिमी देश जो है उनको ज्यादा इजीली अवेलेबल है, पूर्वी देशों को कोस्टल एरियाज का अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आप देखो यहां पर ये सारे जो देश है यहां पर, ये इनको कोस्टल एरिया मिला हुआ है क्या? नहीं। बट अगर आप देखो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, यूके, सबको कोस्टल एरिया मिला हुआ है। तो इसी वजह से इनका जो वोयाजेस थे, वोयाजेस मतलब अलग 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 प्रदेशों की जो खोज कर रहे थे ये लोग, तो यहां पर इन्होंने उसकी अच्छे से खोज कर और कोलोनाइजेशन इन्होंने बहुत अच्छे से किया, बट इनको उसका एक्सेस नहीं था। तो इस वजह से अभी हंगेरी जैसा देश है या पोलैंड जैसा देश है, ये कहां जाएंगे? उनके पास तो कोस्टल एरिया है ही नहीं। तो ये भी एक कारण रहा कि उनकी जो मूवमेंट है वो काफी रेस्ट्रिक्टेड रही। जमीनी रास्तों से आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन कर नहीं पाओगे, क्योंकि जमीनी रास्ते पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं था और वो खतरनाक भी होते, क्योंकि आक्रमण कई साइड से हो जाएगा। पानी के रास्ते से करना ज्यादा आसान होता है, जो अगर पूरे पृथ्वी का भ्रमण भी करना है आपको तो पानी के रास्ते से करना ज्यादा आसान था, और उसी वजह से ये जो वेस्टर्न यूरोपियन देश है उनको एक अलग फायदा होगा। इसी के साथ साथ अगर आप मिनरल रिसोर्सेज की बात करो, तो अभी अभी मैंने आपको एक रीजन बताया, जैसे एल्प्स माउंटेन हो गए, आप अगर देखो स्कैंडिनेवियन माउंटेन हो गए, पायरिनीज माउंटेन हो गए, ये सारे जो माउंटेन्स हैं, पायरिनीज कहां पर है देखो, पायरिनीज ये यहां पर पायरिनीज है, ये पायरिनीज है, कैंटेब्रियन है यहां पे, ये यहां पे एल्प से पूरा की पूरा है ना, ये स्कैंडिनेवियन है यहां पे। अब ये ऐसे माउंटेन्स है जिनके अंदर मिनरल रिसोर्सेज जो है वो कई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिले। यहां पर एक नदी है जिसका नाम है राइन, यहां पर एक नदी राइन, देखो ये राइन नदी है यहां, इस राइन की एक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है रर, रर जानते हो रर के बारे में? जैसे भारत में अगर आप देखो तापी और नर्मदा है ना, ये दो नदियां किस में से बहती है? रिफ्ट वैली से बहती है ना। जमीन जब टूटी थी, भारत जब एशिया से टकराया था, तो टकराने के बाद जमीन के अंदर बहुत सारी दरारें चली गई थी, तो वो दरारें जो है उसमें से दो दरारें थी, नर्मदा और तापी वाली दरार, वो दरारें बनी,
वो दरारे बनने के बाद उसमें से फिर नदियां बहने लग गई। कौन सी नदियां भाई? वो तापी और नर्मदा, जो पश्चिम की तरफ बहती है। उसी तरीके से जब यूरोप के अंदर भी जो प्लेट की प्लेट टेक्टोनिक जब चल रहा था, तो उस वक्त उस जगह पर ये रर वाले रीजन में भी एक बहुत बड़ी रिफ्ट वैली डेवलप हुई थी। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो खनिज संपत्ति होती है ना, उसे अगर आपको ढूंढना है किसी अगर जगह पे कि किस जगह पे खनिज संपत्ति सबसे ज्यादा मिलेगी, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है। एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि कोई एक माउंटेन जो है उसका अगर बहुत ज्यादा विदरण हुआ है बहुत सालों से, तो उसके अंदर जो छुपे हुए मिनरल रिसोर्सेस है वो निकल के बाहर आ जाते हैं, बराबर। उसी तरीके से जब जमीन के अंदर अगर कोई मिनरल छुपा हुआ है और जमीन अगर फट गई और रिफ्ट वैली बन गई वहां पे, तो रिफ्ट वैली बनेगी, तो इसका मतलब क्या है? अंदर छुपे हुए मिनरल ऐसे ही एक्सपोज हो जाएंगे, बाहर निकल के आ जाएंगे, सही है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी रिफ्ट वैलीज में ऐसा होगा, मगर रिफ्ट वैली अगर बनती है कहीं पर, अगर जमीन में दरार जाती है, तो वहां पे काफी हद तक चांस होता है कि वहां पर मिनरल रिसोर्स मिल सकता है। अब रर रीजन में क्या हुआ, वहां पर जब ये जमीन में दरार गई तो वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोहा मिला, आयरन और रिसोर्सेस मिले वहां पे, और इसी के साथ साथ वहां पे कोल भी मिलता है बहुत ज्यादा। अब आप मुझे बताओ, कहीं पर भी अगर औद्योगिक क्रांति लानी है तो किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? लोहा, लोहे से आप बनाओगे स्टील, आपको लगेगा कोयला, और आपको लगेगा पानी। पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो, और पानी तो आपको किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में पानी की जरूरत होती है। तो इन तीन चीजों का जब एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है, तो वहां पर औद्योगिक क्रांति होना बहुत आसान हो जाता है। तो ये रर रीजन जो है ना, यहां पर ये सब अवेलेबल है। इसी वजह से आज भी अगर आप देखो तो जर्मनी का ये ऐसा प्रदेश है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। फोक्सवैगन हो गई, या फिर डूशे जो एक कार का ये है ब्रांड है वहां पर फॉरेन, तो ये सारी जो कार के ब्रांड्स है ना, वो वहीं पर है, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहीं पर होती है। जो हैवी इंडस्ट्रीज है वो वहीं पर एस्टैब्लिश्ड है। तो ये रीजन इतना ज्यादा डेवलप है क्योंकि इनके पास मिनरल रिसोर्सेज काफी प्रमाण में मिले। इसी के साथ साथ अगर आप यहां पे देखो, इसके बीच में, इनके बीच में ये नॉर्थ सी जो है, इन्होंने काफी पहले नॉर्थ सी के अंदर ऑयल रिसोर्सेज और नेचुरल गैस रिसोर्सेज ढूंढ निकाले थे, तो उसका भी इनको औद्योगिक क्रांति में बहुत फायदा हुआ। तो इन कारणों के चलते यहां पर औद्योगिक क्रांति बहुत फटाफट हुई। इसी के साथ साथ अगर आप देखो, रेनेसा नाम सुना है आपने? रेनेसा कहां पर हुआ था? इटली में हुआ ना, और उसका प्रभाव फिर बाकी आसपास के देशों में भी बहुत फटाफट देखने को मिला। रेनेसा का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। क्या मतलब रेनेसा का मतलब? मुझे वो मत बताओ उसका, बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या होता क्या रेनेसा के अंदर? नई चेतना, नई विचारधारा, कोई नई विचारधारा होती है। तो होता रेनेसा से पहले क्या था कि पोप की सुपेरियरिटी हुआ करती थी। पोप लेटर लिख के देते थे, लेटर टू हेवन, कि उन्होंने कोई लेटर लिख के दे दिया, अगर आपको, आप खरीद सकते हो लेटर, आपने पैसे दो पोप को, वो आपको लेटर लिख के देगा, मतलब गारंटी होगी कि अभी स्वर्ग के अंदर आपकी जगह फिक्स हो गई है ना। ये होता था ना, ऐसे लेटर लिख के दे देते पोप जो। तो अब उस वक्त ना, जैसे भारत ने भी जब वर्णाश्रम सिस्टम होती थी, तो उसमें जो अलग अलग डिविजन्स थे, कास्ट डिविजन्स थे, तो उसके अंदर ब्राह्मण जो थे उसको ये कहा जाता था कि ब्राह्मण जो है वो बस भगवान की बोली बोलता है, जो भगवान ने बोला हुआ है, जो सोचता है भगवान, वो सीधा ब्राह्मणों के मुंह से निकल के आता है, और वही जो बोले वही बात सत्य है, वो मान लो, आंखें बंद करके मान लो। उसी तरीके से वहां पर भी पोप जो बोलेगा उस बात को बिल्कुल आंखें बंद करके, कान बंद करके सुन लो भाई, जो है वो है, उन्होंने बोल दिया, इससे और कुछ हटके कुछ है नहीं। बट हुआ क्या कि लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये शुरू हुआ था मार्टिन ल्यूथर किंग के बाद, प्रोटेस्टेंट इन्होंने ही शुरू किया था, जो कैथलिक थे, कैथलिक में से ही प्रोटेस्टेंट निकल के आए, फिर दो डिविजन हो गए, कैथलिक्स हुए, प्रोटेस्टेंट हुए, है ना। क्रिश्चियंस में दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स। तो उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि ये ऐसा ही क्यों,
वैसा ही क्यों? तो जब ये चीजें शुरू हुई तो उसके बाद कई सारे विचारवंत लोग निकल के आ गए समाज के अंदर, कई लोगों ने अलग अलग दिशाओं में डेवलपमेंट करना शुरू कर दी। तो ये सब कहां हो रहा था उस वक्त? ये कहां हो रहा था? वेस्टर्न यूरोपियन रीजन में। तो इसी वजह से यहां पर डेवलपमेंट फटाफट हुई। एक चीज और कही जाती है कि ये जो रीजन है, इटली के आसपास का रीजन है, ये लैंडफॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा वैरिड है। मतलब यहां पर कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया भी है, प्लेन एरिया है, यहां पर वैलीज है, समुन्दर है। तो इतना सारा डाइवर्सिटी इतने कम एरिया के अंदर देखने मिलता है यहां पर कि वहां के लोगों को वो सब देख के लगता था कि अच्छा ये कैसे बना, वो कैसे बना, अच्छा वो लैंडमार्क ऐसा ही क्यों दिखता है, वो माउंटेन जो पर्वत है वो ऐसा ही ट्रायंगुलर ही क्यों दिखता है, अच्छा ये पठार ऐसा ही क्यों बना, ये ऊपर और क्यों नहीं गया। तो ऐसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिए थे उन्होंने। इसी वजह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, जो थिंकिंग प्रोसेस थी उसका डेवलपमेंट होना शुरू किया। तो इसी वजह से वेस्टर्न यूरोप को एक किक मिला, डेवलपमेंट किक मिला। तो इस वजह से ये डेवलप फटाफट होते चले गए। और फाइनली क्या होता है, अगर आप यहां पर देखो तो ये एक फ्लैट सरफेस भी है, यहां पर माउंटेन्स है और माउंटेन्स के ऊपर ये स्टेपी वाला रीजन है। स्टेपी सुना है ना आपने नाम, तो स्टेपी वाला रीजन है। स्टेपी वाला रीजन मतलब एक फ्लैट लैंड होती है। अगर आप भारत में देखो तो बिहार, उत्तर प्रदेश है ना, दिल्ली तक आते आते तक आप देखोगे कि लोगों की बोलचाल करीब करीब सेम है, एक कल्चर काफी हद तक सेम है, एक दूसरे की भाषा समझ जाएंगे, थोड़ी बहुत भाषा में चेंजेस होते चले जाते हैं मगर भाषा समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि जब भी जमीन एक फ्लैट होती है तो लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होना आसान होता है, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे जाना आसान होता है। तो इसी वजह से क्या हुआ, आप अगर बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन जगहों को देखोगे जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे, इनके बीच में कोई दूसरी पर्वत श्रृंखला या पठार वठार ऐसा कुछ नहीं है, तो इसी वजह से इनको आसपास से इन लोगों का आसपास रहना, एक दूसरे से मिलना ही काफी आसान हो जाता है। बट वही अगर आप भारत में देखो, यूपी नीचे ले जाओ, कहां पे, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के साइड, जैसे आप नीचे जाओगे आपको विंध्या क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अब विंध्या क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो आप भले ही बोलोगे कि नहीं सर वो तो आसान है, रेलवे में बैठ जाओ चले जाओगे, बट यार रेलवे हमेशा से तो नहीं थी ना, कल्चर तो बहुत सालों से डेवलप होता चला जा रहा है। तो कल्चर हो गई या लोगों की बोली हो गई, लैंग्वेज जो हो गई वो तो बहुत सालों से डेवलप हो रही है। तो इसी वजह से अगर आप देखो नॉर्थ और साउथ के जो राज्य है, इनका कल्चर भी अलग है, इनकी बोली भी अलग है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फ्लैट सरफेस नहीं है, उनके बीच में काफी सारी माउंटेन्स है, माउंटेन्स जमीन एक जैसी नहीं है, उनके बीच में कई सारे माउंटेन्स है, तो लोगों का आपस में मिलना कठिन हो जाता है। तो इस वजह से उनके कल्चर अलग अलग हो जाते हैं। ये सेम चीज अगर आप देखो, अगर लाइक भारत, एक एशिया पूरा देखा आपने, एशियन लोगों को देखा आपने, कैसे दिखते एशियन लोग, हम भी तो एशियन ही है। बट अगर देखा जाए तो टिपिकल एक एशियन आदमी जैसे दिखता है वैसा एक भारतीय या फिर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी आदमी नहीं दिखता। दिखता है क्या? नहीं, हम वैसे नहीं दिखते। एक एशियन आदमी की पहचान बिल्कुल वो चाइनीज, मंगोलियन, जापानीज, कोरियन, ये लोग कैसे दिखते हैं? उनके जैसा एक इंडियन आदमी जो है, आप नॉर्थ ईस्ट की बात अलग है बट एक ओवरऑल जो मेनलैंड इंडिया जो है वो लोग वैसे दिखते हैं क्या? नहीं। उनका कल्चर, उनका खाना पीना, रहना सहना, ये सब वैसा ही है क्या? नहीं। दिखने में बिल्कुल अलग है, खान पान बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों हुआ? हिमालय की वजह से, हिमालय की माउंटेन आने की वजह से, हिमालय हमारे बीच में होने की वजह से उनका कल्चर अलग बना, हमारा कल्चर अलग बना। तो आप बोलोगे कि फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है ये फिर उनके जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि भारत ये ऐसा देश है जिसमें कई सारे जगहों से अलग अलग एथनिसिटी आई हुई है, अलग अलग रेस के लोग आए हुए, मंगोलॉइड भी उसमें से एक रेस हुआ करती थी, मंगोलॉइड कहते हैं उसे। ये मंगोलॉइड रेस जो है ये चाइना और मंगोलिया के रीजन से कई सालों पहले यहां पर आए थे और जाके वो कहां पे बसे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसी तरीके से भारत में ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, आर्मेनियंस है ना, ब्रैकिसेफल्स, ऐसे कई सारे अलग अलग रेसेस आई हुई है। तो उन सारी रेसेस में से एक रेस मंगोलॉइड भी है।
तो आज अगर देखा जाए तो फेशियल फीचर्स के हिसाब से नॉर्थ ईस्टर्न लोगों का फेशियल फीचर टिपिकल एशियन लोगों से इसलिए मैच करता है क्योंकि कई सालों पहले वो उसी रीजन से आए थे यहां पर भारत में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इसी वजह से। तो समझे आपको कल्चर अलग क्यों होता है, रहना खाना पीना अलग क्यों होता है, तो जमीन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रहते हो तो आपका कल्चर सेम हो जाएगा, बट अगर वही अगर आप यहां पे रह रहे हो कोई और वहां पे रह रहे हो, आपके बीच में एक बहुत बड़ा पर्वत बन जाए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हजारों सालों में आपका इन दो रीजन का कल्चर बिल्कुल अलग हो जाएगा, इतना तक कि वो रहना खाना पीना और उनका दिखना भी अलग अलग हो जाएगा बिल्कुल। यहां पर एक फ्लैट सरफेस होने की वजह से इन सारे लोगों में आपस में बातचीत होना या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना, इन्होंने औद्योगिक क्रांति करी तुरंत फ्रांस ने भी कर ली, फ्रांस ने करी तुरंत जर्मनी ने भी कर ली, नेदरलैंड ने भी कर ली, क्योंकि आपस में आसपास ही थे इसलिए एक दूसरे को देख रहे थे कि अच्छा इसकी औद्योगिक क्रांति हो रही तो क्या किया होगा इसने, कुछ लोग वहां से आए उन्होंने टेक्नोलॉजी इनको दी, इन्होंने भी डेवलपमेंट कर लिया, कुछ लोग यहां से गए वहां पर, क्योंकि आपस में इधर उधर जाना काफी आसान था इसलिए। बट ये सेम चीज ईस्ट में जाते जाते यहां पे जाना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि अगर आप इन जगहों को देखोगे, ये वाले रीजन जो देखोगे, यहां पर कई सारे माउंटेन्स निकल के आ जाते हैं, अब इन माउंटेन्स को क्रॉस करके जाना कठिन है, तो इसी वजह से यहां पर वो औद्योगिक क्रांति उतने आसानी से नहीं जा पाई। इसी के साथ साथ रशिया का भी इंपैक्ट इन देशों पर बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो रशिया ने भी उनको कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद है उसको अपनाने नहीं दिया, सोशलिज्म की तरफ ज्यादा ढकेला। तो इस वजह से आप देखो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के डेवलपमेंट में काफी अंतर होता है। चलो, तो ये समझ में आया आपको कि इनके डेवलपमेंट में इतना अंतर क्यों है। इसी के साथ साथ और एक सवाल जो है वो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार यूके जो ऐसा देश है जिसने है ना सारी दुनिया पर राज किया, नहीं कहां कहां तक गया वो, इंडिया तक राज किया उसने, इंडिया में आया, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ ईस्ट देशों में, ऐसा क्या था कि यूके यूरोप के अंदर ही कहीं पे कॉलोनी नहीं बनाया, यूरोप कभी कॉलोनाइज क्यों नहीं हुआ, ऐसा कभी सुना है आपने कि यूरोप का कोई देश कॉलोनाइज हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा होगा उसके पीछे, कोई लॉजिक लगा सकते हो क्या, क्या कारण रहा होगा, अगर उनके पास जितना संसाधन चाहिए वो अगर था तो वो बाकी दूसरे देशों में भी क्यों गए, फिर भारत में भी क्यों आए वो, तो वो फिर उन्होंने वो वहां पर उनके आसपास के देशों में क्यों नहीं किया, ये मैं पूछ रहा हूं। सेम चीज वो फ्रांस में भी कर सकते थे या जर्मनी में भी कर सकते थे, उनके लिए तो ज्यादा आसान वही था। कुछ हद तक ये सही है, ये लॉजिक सही है अभी कि सिचुएशन सारी सही है, सारी सेम ही है वहां पर, यहां पर भी कॉटन निकल रहा है, यहां पर भी कॉटन आ रहा है, तो सब लोग कपड़ा तो बना ही रहे वहां पर, तो समतल है। आपको मैंने अभी अभी एक कारण भी बताया कि भाई अगर अगर हम सब एक फ्लैट सरफेस पर रहते हैं, आप जो कर रहे हो आसपास के सारे लोगों को पता चलेगा तो वो भी वो चीज पकड़ लेगा, वो भी डेवलपमेंट करेगा। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है, औद्योगिक क्रांति हुई, वो सब जगह पे फटाफट होती चली गई, बहुत ज्यादा सालों का अंतर नहीं है इनकी औद्योगिक क्रांति में। सिर्फ ये बात है कि यूके में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, बट उसको देख के फटाफट सबने सीख लिया और सबने औद्योगिक क्रांति कर ली थी। इसके बाद इनके बीच में ही कॉम्पिटिशन इस चीज को होने लगी कि सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो कौन करता है। तो उसी चक्कर में क्या हुआ, सबने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा सुपीरियर बना लिया, काफी हद तक सुपीरियर बना लिया। अब यूके अगर सोचता कि मैं फ्रांस पे अटैक करता हूं, फ्रांस पे राज करता हूं, तो उसको कई ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता उसके लिए, क्योंकि ये भी पावरफुल और ये भी पावरफुल, दोनों अगर झगड़ा करेंगे तो दोनों की दोनों धारा दोनों की दोनों का तो नुकसान होगा ना उसमें। मगर एक पावरफुल है और दूसरा एकदम ही कमजोर है, तो उस पर राज करना आसान हो जाएगा।
बस क्या करना है, वहां तक पहुंचना है आपको, तो आपको राज करना काफी आसान हो जाएगा। ये एक कारण था कि जिस वजह से यूरोप जो है वो आपस में कभी भी राज नहीं कर पाया, बट इसके उल्टा उन्होंने किया, इसके विपरीत उन्होंने क्या किया, अलाइंस बनाना शुरू कर दिए। जैसे फ्रांस का अलाय था यूके, नेदरलैंड, स्पेन, ये अलाइंस थे, स्विट्जरलैंड, ये रीजन जो ये अलाइंस थे। वैसे ही जर्मनी जो है वो औद्योगिक क्रांति में थोड़ा सा देर से आया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका यूनिफिकेशन का चक्कर चल रहा था, इस वजह से जो उसकी यूनिफिकेशन हुआ तो उसके बाद में वो भी औद्योगिक क्रांति में आया, बट सबसे लेट जो है वो जर्मनी में आया। बट जर्मनी में मिनरल रिसोर्सेस, खनिज संसाधन इतने ज्यादा थे कि जब वो आया तो उसने बहुत ही तेज, सबसे तेज औद्योगिक क्रांति जो है वो जर्मनी में हुई। तभी तो देखो आप वर्ल्ड वॉर टू आने तक बिल्कुल यूके के बराबरी में आके खड़ा हो गया था जर्मनी अपने डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि उसके पास मिनरल रिसोर्सेज, जो खनिज संपत्ति थी, वो बहुत ज्यादा प्रमाण में थी। वो एक कारण था। तो इन सब ने फिर बाहर के देशों में जाके अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया, कॉलोनाइजेशन करना शुरू किया अलग अलग महाद्वीपों पे। चलो फिर ये तो आपको एक अंदाजा दे दिया मैंने अभी यूरोप के बारे में। ऐसे इसी के साथ आपको कभी है ना इसमें और भी कुछ अगर कोई क्यूरियोसिटी होगी कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये चीज देखते तो है हम लोग बट ऐसा क्यों हुआ वो मुझे समझ में नहीं आता है, तो पूछना। मुझे जितने सवाल निकल के आते थे कि अच्छा ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, तो मैं आपको वो उसके जवाब देता चला जाऊंगा, बट आपको भी अगर कोई डाउट होंगे तो पूछना मुझे। है कुछ ऐसा किसी को पूछना है? हाँ जी नदिया। हाँ क्योंकि आप नदिया में पानी कहां से आता है, नदिया कैसे बनती है, नदिया कैसे बनती है, पर्वत में पानी की धारा निकल के आएगी, बट पानी की धारा वहां से कहां, वहां पे कहां से आएगी, बारिश, बारिश, हमेशा बर्फ नहीं होती, बारिश ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है नदी बनने का, बारिश। होगा क्या, ये एक पर्वत यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बारिश होगी, कुछ धारा यहाँ से निकल के आई, कुछ धारा यहाँ से आई, धीरे 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 ये सारी इकट्ठा आएगी, बड़ी नदी बनाएगी। इस तरीके से नदियां बनती चली जाती है। तो भाई जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर नदियां ज्यादा बनेगी। और मैंने आपको अभी क्या बताया, क्योंकि पश्चिम से आने वाले विंड, यहां से आने वाले विंड इन जगहों पर ज्यादा बरसात देंगे, तो जाहिर सी बात है नदियां ज्यादा कहां बनेगी, या बनेगी। अब जितना ये पूर्व की तरफ चला जाता जाएगा, तो पूर्व की तरफ जाएगा तो बारिश थोड़ी कम होगी यहां पर, क्योंकि जब पानी से कोई हवा जो है ना वो जब पानी के ऊपर से जाती है तो अपना अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती है, मॉइस्चर समझता है, मॉइस्चर लेके जाएगी और वो बारिश देगी। बट वो अगर जमीन के ऊपर से जा रही तो जमीन तो उसको मॉइस्चर देनी पड़ती है, तो इस वजह से उसका मॉइस्चर कम 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 होता चला जाता है। तो यहां पर चूंकि उसका 100% मॉइस्चर था तो उसने पानी अच्छा खासा दे दिया, बट ये जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाता है इसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो कम 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 होता चला जाता है, तो बारिश कम 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 होती चली जाएगी। इसी वजह से यहां पर नदियां कम है और पश्चिम की ओर नदियां ज्यादा है। हाँ नदियों की वजह से, क्योंकि गर्मी के मौसम में वहां पर पानी बर्फ जो पिघलती है ना ऊपर हिमालय में, जब बर्फ पिघलती है तो वो पिघली हुई बर्फ की वजह से पानी निकल के आता है नीचे नदियों में। तो देखो देखा जाए तो नदियों में पानी का जो स्रोत होता है वो ज्यादा करके बारिश की वजह से ही होता है, बारिश सबसे इंपॉर्टेंट कारण है उसके पीछे। मगर कुछ जगह ऐसी है जहां पे बर्फ के पिघलने की वजह से भी नदियों में पानी आता है। बट ये बर्फ भी पता है आपको कैसी है, ये उत्तरी भारत में भी आप ये नहीं है कि बिल्कुल बारिश ही नहीं होती। आप देखो ठंड के मौसम में यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है पश्चिम की ओर से जो विंड्स आती है वो भी अपने साथ कई सारे मॉइस्चर लेके आती है, और उस वजह से ठंड के मौसम में उत्तरी भारत में बारिश होती है ना, जो गेहूं के अनाज के लिए काफी फायदेमंद होती है। तो वो बारिश की वजह से ही गर्मी के मौसम में यहां पर नदियां बहती है। तो देखो उत्तर भारत की अगर बात करें तो ये क्या है ना, ये एक अपवाद है, अपवाद इस केस में कि यहां पर बारिश कम होने के बावजूद भी यहां पर नदियां क्यों बहती है, क्योंकि बर्फ पिघलती है इस वजह से।
सब जगह पर ये होगा क्या? अब यहां पर बर्फ भी क्यों पिघलेगी? क्योंकि यहां पर जब गर्मी आती है तो बहुत ज्यादा गर्मी आती है, तो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। अब ये जो है, हम तो ट्रॉपिकल रीजन में है, बट अगर आप ट्रॉपिकल मतलब हम लोग तो उष्णकटिबंधीय जगह पर है, आप अगर शीतोष्ण जगह पे चले जाओगे थोड़ा ऊपर की तरफ, तो यहां पे ठंड इतना होता है कि गर्मी में भी इतनी गर्मी नहीं हो पाती कि वो बर्फ को बहुत ज्यादा पिघला देगी। तो उस गर्मी के मौसम में भी अगर नदियों में पानी आना भी है तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, समझे आप? और ठंड में तो इतनी ठंड है वहां पे कि पूरी नदी की नदी वहां पे जम जाएगी। ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये ऊपर की जगह पर है, इसलिए यहां पर कुछ नदियां होगी भी तो वो नदियां जो है वो जमी हुई रहती है, बर्फ रहती है वो ठंड के मौसम में, है ना? और कुछ किसी को डाउट? हाँ कौन? हाँ एशिया में भी नहीं आया। आधुनिक वेपन्स किसके पास? एशिया के पास नहीं हो पाए। कहां से हो पाएंगे? नेवी स्ट्रांग थी। हाँ बिल्कुल, नेवी स्ट्रांग थी, बिल्कुल नेवी स्ट्रांग थी। यूरोप के साथ तो सबसे पहले ये भी हुआ कि यूके जो है वो एक आइलैंड है, आइलैंड है, तो उसके लिए तो बिल्कुल उसके लिए कंपलसरी है कि उसको अपनी नेवी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसने अपनी नेवी को स्ट्रांग किया, उसको देखा देखी जर्मनी ने भी किया और फ्रांस ने भी कर लिया, तो इनके पास कोस्टल एरिया होने की वजह से इन्होंने अपनी नेवी को काफी स्ट्रांग कर लिया। पुराने जमाने में ऐसा था कि जिसकी नेवी सबसे ज्यादा स्ट्रांग वो राज करता था, मतलब यूके हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, इन सबने अपनी नेवी पे बहुत ज्यादा फोकस किया, क्योंकि उस वक्त आसमान से होने वाली जो लड़ाइयां होती है ना एरोप्लेन से वगैरह, वो उतनी ज्यादा नहीं थी, ना कोई बॉलिस्टिक मिसाइल उस वक्त बनी थी, ना कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल तो थी नहीं, तो नेवी सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था युद्ध करने के लिए, तो जिसकी नेवी स्ट्रांग वो सबसे स्ट्रांग माना जाता था। चूंकि पूर्वी यूरोपियन देशों के पास तो कोस्टल एरिया ही नहीं है, तो वो नेवी कहां से बना लेंगे, तो इस वजह से उनकी नेवी भी कभी स्ट्रांग नहीं हो पाई और उस वजह से वो डेवलपमेंट भी वहां पे कमी हो पाई, है ना, टेक्नोलॉजी भी वहां तक नहीं पहुंच पाई। चलो तो ये हो गया यूरोप, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका देख लेते, अफ्रीका का मुझे एक बात बताओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूं आपको। आपको पता है अफ्रीका जो है वो वन ऑफ द रिच मिनरल रिसोर्स रीजन है, बहुत मिनरल्स बहुत है वहां पे, बट फिर भी ये डेवलप क्यों नहीं हो पाया? आपस में ही लड़ते रहते हैं ऐसा? एकजुटता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कारण। किसी भी देश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए चाहिए होता है आयरन और कोयला, खनिज संपत्ति तो बहुत है आपके पास, बट ऐसी खनिज संपत्ति का क्या करोगे जिसके अंदर आयरन और कोयला ही नहीं है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अफ्रीका के साथ कि उनके पास आयरन नहीं है और कोयला जो है वो निकृष्ट क्वालिटी का है, क्वालिटी उसकी खराब है थोड़ी सी, तो इसी वजह से इनका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति होना यहां पर कठिन है, डिफिकल्ट है, ठीक है। बट अगर आप देखो दुनिया का 95% डायमंड अफ्रीका में मिलता है, दुनिया का कितना? 95% डायमंड जो है वो अफ्रीका में मिलता है, और 55% से ज्यादा गोल्ड जो है सोना वो अफ्रीका में मिलता है। इतना ज्यादा डायमंड और सोना, मतलब हम जिसके पास डायमंड और सोना होता है वो तो एकदम अमीर माना जाता है, नहीं? तो इतना होने के पहली बात तो ये बताओ कि ऐसा क्या है कि अफ्रीका में डायमंड और सोना इतना ज्यादा मिलता है और बाकी देशों में नहीं मिलता, अफ्रीका में ही क्यों मिलता है?
तो उससे क्या होता है? हीरा कहां बनता है? हीरा कैसे बनता है? बिल्कुल हाई टेम्परेचर में क्रिएट होता है, ये सही है। कहां पे क्रिएट होता है? कोयले में, किम्बरलाइट जिसे कहते हैं, किम्बरलाइट जो रीजन होता है ना उसमें, सुनो, जो डायमंड होते हैं ना डायमंड, वो जमीन के नीचे 150 किलोमीटर बनते हैं। जमीन के नीचे अगर खोदते चले जाओगे तो 150 किलोमीटर पे आपको बहुत सारे डायमंड मिलेंगे। है मेंटल रीजन में डायमंड्स बहुत सारे भरे हुए, बट आज तक का जो सबसे डीप गड्ढा जो जमीन में हमने किया हुआ है, जो माइन हमने बनाई वो कौन सी है? ओला माइंस जो है वो 12-12.5 किलोमीटर की बनाई हुई है कुछ तो वो, है ना। तो सोचो अगर धरती में सबसे गहरा खड्डा जो हमने खोदा हुआ है वो 12-12.5 किलोमीटर का है, और अगर डायमंड 140 किलोमीटर के बाद ही मिलता है, तो फिर हम डायमंड कहां से लाते हैं? इतने कहां से आते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये डायमंड कैसे आते हैं सोचो। सुनो, सबसे पहले एक कंसेप्ट है जिसका नाम है आइसोस्टेसी। क्या नाम है? आइसोस्टेसी। एक ज्योग्राफिकल रीजन है ये, सुनो क्या है आइसोस्टेसी की कॉन्सेप्ट। वैसे देखा जाए तो मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा, बट अभी एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि क्या है, ठीक है। आप कभी बोट में बैठे हो क्या? ये ऐसी छोटी सी बोट जो होती है, सब लोग बैठे होंगे। इस बोट में बैठने का एक रूल होता है, रूल। क्या रूल है? चार लोग गए और चारों को इस बोट में बैठना है, तो क्या रूल है इस बोट में बैठने का? सारे लोग इस पर बैठ सकते हैं क्या? इसी एंड पे बैठ सकते हैं क्या? दो को इसमें इधर बैठना पड़ेगा, दो को यहां बैठना पड़ेगा। यही बोलता है ना जो आपको लेके जाता है, वो बोलता है कि भाई कुछ इधर बैठो कुछ यहां बैठो, नहीं तो बोट पलट जाएगी, वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए। अब हुआ क्या कि चार दोस्त है गोवा गए डॉल्फिन देखने, है ना। ये सच कहानी बता रहा हूं, ये मैं खुद ही गया था वैसे तो। चार दोस्त क्या, मैं ही गया था। जब 2012 में हमने यूपीएससी का अटेम्प्ट दे दिया था, तो होता क्या है कि इतना प्रीलिम्स का पढ़ लिए, प्रीलिम्स हो गई, मेंस हो गई, तो ऐसा होता है कि पता नहीं कितनी पढ़ाई कर ली। तो हम दोस्तों ने मिलकर सोचा कि यार बहुत ज्यादा, बहुत दिनों तक राजेंद्र नगर के रूमों में बैठे हुए थे, तो अब है ना कहीं थोड़ा सा घूम के आते हैं, अभी मेंस की एग्जाम अभी हुई है। तो हम चार दोस्तों ने मिलकर सोचा कि गोवा जाएंगे। गोवा गए तो वहां पर ना एक जगह है जहां पर आपको डॉल्फिन्स बताते हैं, वो उसके लिए कुछ 400-500 रुपए लेते हैं, बट वो डॉल्फिन्स बताने के लिए आपको ले जाते हैं इसमें। तो हमें भी ले गए यहाँ पे, तो हमको बोला कि दो यहां बैठो। अब बात ऐसी है कि हम लोग हैं इंडियंस, हमने अगर किसी चीज के लिए पैसे भरे, 400 रुपए भरे, तो हम कितने वसूल करेंगे? 800। हम ज्यादा वसूल करने में बिलीव करते हैं, तो हमारा ऐसा होता है कि बिल्कुल बस निकालना है उसका, बिल्कुल सब कुछ देख के आना है वहां पे। दो डॉल्फिन नहीं, चार डॉल्फिन देख के आएंगे। तो यहां पे ऐसा था कि भाई हम देख रहे हैं। अब एक बात बताओ कि अगर यहां पे अगर किसी को डॉल्फिन दिख गई यहां पे, तो इन दोनों को तो दिखाई दी, इन दोनों को दिखाई नहीं दे रही है यहां से, तो ये सोचेंगे मैं तो पैसा बर्बाद हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इसमें से एक लड़का उठा और यहां आके बैठ गया कि मुझे भी देखनी है डॉल्फिन। तो तीन यहां आ गए और एक ही बचा यहां पे, तो क्या होगा? इस बोट का इम्बैलेंस हो जाएगी, है ना। तो अब वो बोट जो है सीधी थी बिल्कुल, वो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। पलटेगी क्या अभी बोट? नहीं, बोट कुछ हद तक तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो ये बोट ना ऐसी हो जाएगी, देखो पानी यहां पे थोड़ा दबेगा और यहां पे थोड़ा पानी ऊपर भी आएगा। अब अगर चौथे ने भी सोच लिया कि मुझे जाना है और ये भी यहां पे आ गया, कितने देर तक बोट संभालेगी अपने आप? पलट जाएगी। जब ये पलटेगी तो बिल्कुल यू ये पानी एकदम उछलेगा यहां से, ये पानी ऐसे दबेगा और फिर बाद में बोट वापस नॉर्मल स्थिति में आएगी, करेक्ट। ये सेम चीज हमारे धरती पे होता है। हमारे धरती में एक है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर नाम सुना आपने, और उस लिथोस्फेयर के नीचे एस्टेनोस्फेयर, एस्टेनोस्फेयर नाम सुना है? इस एस्टेनोस्फेयर कैसे बनता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, वो मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझो
ये जो सारी जमीन दिख रही है ना आपको, जिसपे हम चल रहे हैं अभी, ये जमीन है हमारी, भारत की जमीन है, ये जो जमीन है इसके नीचे करीब करीब 100 किलोमीटर अगर आप जाओगे, 100 किलोमीटर अगर आप जाओगे, 100 से 300 किलोमीटर कहते हैं, इतना डिस्टेंस पे जाओगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक एस्ट्रोनोस्फीयर, 100 नहीं है ये, करीब करीब 300 किलोमीटर ही समझो आप इसको, तो यहां पर आपको दिखेगा एक एस्ट्रोनोस्फीयर। एस्ट्रोनोस्फीयर क्या बताए, जेली देखी किसी ने, जेली, जेली जैसा मटेरियल है यहाँ पे, जेली जैसा है, करीब करीब 50 किलोमीटर का जेली जैसा एक पूरा मटेरियल आता है यहाँ पे, एक पूरा जोन है जैसे जेली जैसा मटेरियल बना हुआ है यहाँ पे, इसे कहते हैं एस्ट्रोनोस्फीयर। और उसके ऊपर ये जो पूरी की पूरी, पूरा की पूरा एक पत्थर बना हुआ है, ये पत्थर क्या है, लिथोस्फीयर। यही लिथोस्फीयर है जो ये सारे कॉन्टिनेंट बनाता है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया, एशिया, ये सारे है ना, ये लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर है, ये इंडिया समझ लो इसको, नॉर्थ अमेरिका, और उनके नीचे ये एस्ट्रोनोस्फीयर है, और ये सारे कॉन्टिनेंट जो है ना ये इस एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर तैर रहे, फ्लोट कर रहे। जब आप ले, अब आप सोचो कि ये एक बोट की तरह है, ये कॉन्टिनेंट जो ये एक बोट की तरह है, इसके ऊपर आप अगर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो क्या होगा, ये नीचे दबेगा, और इस पे आप कम प्रेशर डालोगे तो ये ऊपर उठेगा, ज्यादा ज्यादा प्रेशर डालते जाओगे तो नीचे 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 दबता चला जाएगा, अगर इसकी कैपेसिटी के बाहर हो गया तो भूकंप आएगा, है ना, यही सारी कंडीशन होती है, कई बार इसकी इसकी कैपेसिटी से बाहर होता है तो यहां पे दरारें चली जाती है बीच में, फिर जमीन टूटती है दो पार्ट में। हुआ क्या था कि जहां पे आज आप अफ्रीका को देख रहे हो, वहां पे पहले एक बहुत बड़ा पांजिया हुआ करता था, आज का नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया, यूरोप, ये सब कुछ, सारे जो कॉन्टिनेंट्स है ना, ये सारे एक जगह पे हुआ करते थे, प्लेट के मूवमेंट्स के वजह से, जो प्लेट अलग अलग दिशाओं में निकलती चली गई, उस वजह से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अपनी अपनी दिशाओं में निकल गए, भारत भी अपनी अपनी दिशा में निकल गया। ये अफ्रीका जो है ना, ये इसकी मूवमेंट पिछले कई सारे सालों से बहुत ज्यादा हुई नहीं है, कई सारे सालों से बहुत ज्यादा इसकी मूवमेंट नहीं हुई है, कम मूवमेंट हुई है बहुत। तो इसका मतलब पांजिया का जो एक ओरिजिनल ओरिजिनल पार्ट था ना, वो अभी भी जो इंटैक्ट है, वो कौन सा है, अफ्रीका। जो बाकी के बचे हुए थे वो तो अपने अपने दिशाओं में निकल गए, ये अफ्रीका उस साइड बच गया। अब एक रिसर्च रिपोर्ट है, वो कहती है कि जब भी, सुनो अब ठीक से सुनना है ना, जब भी कोई कॉन्टिनेंट टूटता है, ध्यान देना है अभी, जब भी कोई कॉन्टिनेंट टूटता है, तो लेट सपोज ये एक पूरा पांजिया था, ये टूटा, टूटा तो इसमें दरार चली गई, दरार चली गई, ये अपनी दिशा में निकल गया, ये एक दिशा में निकल गया, ठीक है। जब भी ये दरार बनती है तो यहां के एस्ट्रोनोस्फीयर पे प्रेशर कम होता है, देखो ना यहां पे अगर ये खुल गया तो इस पे प्रेशर कम बनेगा, प्रेशर कम होगा ना इसके ऊपर, और यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसी वजह से वो क्या, ये होता क्या है, यहां पे एस्ट्रोनोस्फीयर की बहुत ही फास्ट, जैसे समुंदर के अंदर जैसे लहरें बनती है ना, वैसे ही लहरें इस एस्ट्रोनोस्फीयर के अंदर बनेगी, क्योंकि एक जगह पे आपने प्रेशर कम कर दिया, एक जगह पे प्रेशर ज्यादा कर दिया, कम ज्यादा प्रेशर की वजह से वहां पे एस्ट्रोनोस्फीयर में लहरें बनती है। उन लहरों के चलते यहां के कई सारे रॉक्स जो है नीचे के, जो लिथोस्फीयर के नीचे, वो रॉक्स टूट जाते हैं वहां पे, क्योंकि वो लहरें उसको टकराती है और नीचे से इस कॉन्टिनेंट को तोड़ देती है। जब भी ऐसा होता है तो यहां पे जो जो डायमंड के डिपॉजिट्स है, ये डायमंड के डिपॉजिट्स ऊपर की तरफ निकल के आ जाते हैं, जो डायमंड्स है ना नीचे 150 किलोमीटर नीचे, वो ऊपर की तरफ उछल के आ जाते हैं। तो वो अलग अलग सीम्स से, मतलब ऐसे ट्यूब्स बनी हुई है, उन ट्यूब्स के थ्रू ऐसे ऐसे निकल के आ जाते हैं, ट्यूब से ऊपर ऊपर आते हैं। इस वजह से आपको जमीन में 40 से 50 या फिर 10, 12 या ऐसे किलोमीटर पे आपको क्या मिलेगा, डायमंड मिलना शुरू होता है। तो बेसिकली डायमंड बना तो था 150 किलोमीटर पे, बट जमीन के टूटने के वजह से वो डायमंड ऊपर ऊपर निकलता चला गया। तो भाई यहां का लैंडमास यहां निकल गया, यहां तो डायमंड नहीं निकल के आएगा, या फिर ये निकल गया नहीं, जो एक जगह पे रहा उसमें डायमंड ऊपर की तरफ निकलेगा हमेशा, है ना। इसीलिए अफ्रीका में डायमंड मिलते हैं और बाकी जगह पर नहीं मिलता, क्योंकि अफ्रीका की मूवमेंट जो है, अफ्रीका जो है वो अपने दिशा, अपने जगह से बहुत ज्यादा इधर उधर हिला नहीं है। तो जो उसके नीचे जो डायमंड था वो ऊपर निकल के आया और उस वजह से वहां से निकल आ सकता है। अब आप नॉर्थ अमेरिका देखो, जो यहां पे था
नॉर्थ अमेरिका के नीचे से निकल के आया भी होगा तो नॉर्थ अमेरिका तो इस दिशा में चला गया, तो इस वजह से उसके नीचे डायमंड नहीं मिलता। सेम भारत के लिए भी देखो आप, भारत यहां पे था पहले और भारत ऊपर निकल गया यहां पे, तो यहां से जो डायमंड निकल के आया होगा ऊपर वो तो यही रह गया और भारत आगे निकल गया। तो इसी वजह से डायमंड डिपॉजिट्स उन जगहों पे नहीं मिलते जहां पे लैंड जमीन जो है वो इधर उधर तितर पितर घूम रही है, जो एक जगह पे रुकी रही वहां पे डायमंड मिलते। इसी वजह से अफ्रीका के अंदर डायमंड डिपॉजिट जो है वो ज्यादा प्रमाण में मिलते। बट सवाल ये उठता है कि इतना डायमंड मिलने के बावजूद या इतना गोल्ड मिलने के बावजूद इन देशों में, इन इस कॉन्टिनेंट में इतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? क्योंकि माना कि जैसे देखो आप अगर गल्फ कंट्रीज को देखो, सऊदी अरेबिया हो गया है ना, तो ओमान, ईरान, इन देशों में ऑयल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा मिले। सिर्फ ऑयल के बदौलत ये देश जो है वो काफी अमीर हो गए, डेवलप नहीं बोलूंगा मैं उनको, बट ये काफी अमीर हो गए। ये सेम चीज अफ्रीका में भी हो सकती थी, जैसे उन्होंने ऑयल बेचा अफ्रीका डायमंड बेच सकता था और डायमंड बेच के भी अमीर बन सकता था। बट यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही करप्ट प्रैक्टिसेस, जबरदस्त करप्शन था यहां पे। तो हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर्स यहां पे आए, ब्रिटिशर्स आए, जर्मन्स आए, इटालियंस आए, स्पेन, तो सबने अपनी अपनी कॉलोनीज यहां पे बनाई थी। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका आपने पढ़ा है? स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका नाम सुना? स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका मतलब सब देशों का ऐसा था कि अफ्रीका की ओर कूच करना शुरू कर दिया सबने, सबको अफ्रीका के अंदर कॉलोनी बनानी थी। तो सब लोग जब अफ्रीका में आए, सबने अपनी कॉलोनीज बनाई अफ्रीका के अंदर, तो करीब करीब जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो ये जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज है ना, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इनकी सारी सबकी जो आर्थिक परिस्थिति वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। इतनी कमजोर थी कि वो अपनी कॉलोनी को संभाल नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने अपनी कॉलोनीज को जिस दशा में थे उस दशा में छोड़ के वहां से पलायन कर लिया, भाग गए वहां से, निकल गए। तो उसी वजह से उन्होंने बाउंड्रीज भी देखो अफ्रीका की ऐसी बना दी। अगर आप अफ्रीका की बाउंड्री देखोगे तो बिल्कुल ऐसी बनी हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अफ्रीका के साथ ये बाउंड्रीज को लेकर, क्योंकि इनके कल्चर के हिसाब से इनकी बाउंड्रीज नहीं बनाई हुई है। कल्चर के हिसाब से जब बाउंड्री बनती है तब उस देश में इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से होता है, आपस में भाईचारा ज्यादा बन के रहता है। आप अगर हम अगर साथ में रहे हो ना, मैं आपकी भाषा जान रहा हूं ना आप मेरी भाषा जान रहे हो, ना मैं आपका कल्चर समझ रहा हूं ना आप मेरा कल्चर समझ रहे हो, तो हमारे अंदर भाईचारा कहां से बनेगा? तो उसी वजह से यहां पर ना उसकी कमी होने की वजह से यहां पर आपस में झगड़ा इन देशों में बहुत ज्यादा हुआ, आपस में भी, और उसके बाद इसी झगड़े का फायदा उठाया कुछ लोगों ने, जिस वजह से यहां पर जो मोनार्कीज डेवलप शुरू होना शुरू हो गई। एक आदमी राजा बनना बन गया और उसने अपने देश को, इसको कहते क्लिप्टोक्रेसी, करप्शन, क्या कहते हैं उसे, करप्शन को क्या कहते हैं, भ्रष्टाचारवाद, भ्रष्टाचारवाद को क्लिप्टोक्रेसी कहते हैं। क्लिप्टोक्रेसी मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें अपने ही देश के लोग अपने ही देश के रिसोर्सेस को यूज करके उसमें से पैसा कमा के वो फॉरेन देशों में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन में भेज देते हैं उसको, मतलब अपने ही देश को लूटते हैं, उसे कहते हैं क्लिप्टोक्रेसी। इन देशों में जबरदस्त क्लिप्टोक्रेसी देखी गई जिसमें एक ही आदमी सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता था और वो उस देश से रिसोर्सेस को, पैसे को बाहर भेजता था। ये सेम चीज जिम्बाब्वे में हुई थी। मुगाबे वहां का राजा था, वहां का जो ऑटोक्रेट था उसका नाम था मुगाबे, उसने भी वही किया। ये सेम चीज कहां पर हुई? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी यही हुआ। आप अगर देखो अफ्रीका में डायमंड सबसे ज्यादा मिलता है, बट वो डायमंड भी सबसे, उसमें भी अफ्रीका में भी वो ज्यादा मिलता है जिम्बाब्वे में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ये जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में भी मिलता है। इन देशों में जबरदस्त डायमंड मिलने के बावजूद ये डेवलप क्यों नहीं हो पाया? साउथ अफ्रीका को छोड़ दो, बट यहां पर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहां पर ऑटोक्रेट्स थे जिसने करप्शन बहुत ज्यादा किया। तो यहां पर हर जगह पर आप देखो आपस में झगड़े बहुत ज्यादा हुए और करप्शन वाली टेंडेंसीज बहुत ज्यादा थी। कई सारे ट्राइबल पॉपुलेशन है यहाँ पे, इन ट्राइबल पॉपुलेशन का भी अपने आपस में क्लैशेस बहुत ज्यादा हुए जिस वजह से डेवलपमेंट यहाँ पे हो नहीं पाई। तो चलो ये कारण है। बट जब मैं ये बताता हूं तो कुछ बच्चों का ये भी सवाल निकल के आता है कि सर अगर ये सही है तो फिर साउथ अफ्रीका का क्या? साउथ अफ्रीका तो डेवलप हो रहा है,
आप अगर पूरे अफ्रीका को देख लो तो इसमें ऐसा क्या है कि यही देश बस नजर आता है ज्यादा डेवलपमेंट के मामले में। कभी भी आप साउथ अफ्रीका को देखो तो साउथ अफ्रीका में आपको गोरे लोग भी मिल जाएंगे, बट बाकी अफ्रीकन रीजन में आपको गोरे लोग नहीं मिलेंगे, वहां पे निग्रिटोस ज्यादा होते हैं। बट साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या है कि वहां पर आपको गोरे लोग ज्यादा मिलेंगे? क्या कारण है आप जब बताओ तो? डेवलपमेंट भी यहां पर थोड़ी ज्यादा, ऐसा क्यों, क्या है ऐसा? साउथ अफ्रीका ही क्यों डेवलप हुआ? डेमोक्रेसी क्यों हुई? डेमोक्रेसी क्यों हुई आप? एपर्थिड था यहां पर, पता है ना आपको, गांधी जी अपने उसी के अगेंस्ट लड़े थे साउथ अफ्रीका में, तो यहां पर तो था काला गोरा का डिफ्रेंसिएशन तो बहुत जबरदस्त था। वो कम है यहां पर। आपने कुछ तो बोला जो सही बोल रहे थे आप कुछ। ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस आप बोल रहे हो, है ना? ऐसा क्यों? ये ब्रिटिशर्स ने, है ना, एक बात बताओ, अच्छा इन्होंने एक चीज बोली अभी, ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में भी थे, अमेरिका में भी थे, साउथ अफ्रीका में भी थे, ऑस्ट्रेलिया में भी थे। ऐसा क्या हुआ कि यार ये ब्रिटिशर्स ने हमारे यहां पे गंद बहुत मचाई? इतनी गंद उन्होंने अमेरिका में नहीं मचाई ना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मचाई, ऐसा क्यों? या साउथ अफ्रीका की भी बात ले लो आप, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने उतनी गंद नहीं मचाई जितना इंडिया में मचा के गई है, पता है क्यों? ऐसा क्यों कि भारत में नहीं रहे इन जगहों पे? क्यों रहे भारत में, क्यों नहीं रहे? नहीं, वो तो 1980 के बाद भारत में जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है, जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। वही तो पूछ रहा हूं मैं कि ऐसा क्यों, पता है ऐसा क्यों? क्योंकि यहां का क्लाइमेट, यहां की जो जलवायु है, अगर आप देखो, हम जो है वो उष्णकटिबंधीय जगह पे रहते हैं, हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, गर्मी वाले प्रदेश में। ये ब्रिटिशर्स का ऐसा था कि वो गर्मी वाले रीजन को बहुत ज्यादा सह नहीं पाते थे, बहुत ज्यादा पसीना आता था। गर्मी वाले रीजन में बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो बहुत आसानी से फैलते हैं, तो जिस वजह से डिजीज जो है, रोग होना बहुत ही आम बात होती थी। उसी के साथ साथ यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से उनके लिए यहाँ पे आके रहना, इट्स लाइक आपको आज ऐसा बोला जाए कि यहाँ पे जो भी झुग्गी झोपड़ी है वहां पे जाके रहो, तो आप रहोगे क्या? नहीं रहोगे, क्योंकि आपके हिसाब से वहां जाके रहना मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस होगी वहां पे, है ना, क्रिमिनल एक्टिविटी ज्यादा होगी शायद, ये सारी इन चीजों की वजह से ना रहने की सिचुएशन बहुत अच्छी है, इस वजह से कोई रहना नहीं चाहेगा वहां पे। सेम तरीके से आप अगर उष्णकटिबंधीय जगह पर अगर आओ तो वहां पर रोग राई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज ज्यादा होती है। बट अगर आप ये सेम चीज देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का साउथ वाला पार्ट जो है वो टेम्परेट शीतोष्ण जगह पे आता है। अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करो, साउथ अफ्रीका का भी एक पार्ट शीतोष्ण जगह पे आता है, साउथ में अगर जाओ शीतोष्ण। और अमेरिका तो बात ही अलग है, जो यूएस है, यूएस का एक काफी अच्छा खासा पार्ट जो है वो शीतोष्ण जगह पे आता है। उनके लिए काफी फेवरेबल था वहां पर रहना, क्योंकि ये सेम सिचुएशन उनके घर पे भी थी, यूके में भी थी, यूके भी शीतोष्ण जगह पर है, तो जो सेम टेम्परेचर में वो रहते थे पहले से, वही टेम्परेचर उनको जहां जहां पे मिलता चला गया वहां वहां पे वो सेटल होते चले गए। उनमें से कुछ कुछ लोग सेटल होते चले गए। अब एक बार वो सेटल हो गए, उन्होंने उसको अपना घर बना लिया, तो कोई भी जो अपना घर बनाता है जिस जगह को, उसको सुधारना जरूर चाहता है। तो उस वजह से जो यूके के अंदर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे, वो सेम डेमोक्रेटिक वैल्यूज फिर साउथ अफ्रीका में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगहों पर आते चले गए। भारत का प्रॉब्लम ये हुआ कि हम उष्णकटिबंधीय जगह पर रहने की वजह से ब्रिटिशर्स ने कभी भी ये नहीं सोचा कि भारत में आके घर बनाते, यहां पर रहते हैं, इन लोगों में रहते, तो उन्होंने हमेशा
अपने आप को आउटसाइडर ही रखा। जैसे मुगल भारत में आए थे तो वो रहे भारत के अंदर, उन्होंने इसी वजह से भारत के कई सारे शहरों में आपको मुगल का कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखेगा। भारत में कई सारे जगह पे आपको आज भी आपको उनके डिसिडेंट्स भी कई सारे दिख जाएंगे। मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो काफी प्रमाण में भारत में है, नहीं क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुगल का इन्फ्लुएंस भारत पे है। बट यही इसी तरीके से आप ये बोल सकते हो क्या कि बहुत सारे यूरोपियंस भारत में मिलेंगे, नहीं, क्योंकि उन्होंने इसको घर नहीं बनाया। तो ये एक डिफरेंस था हमारे बीच में और साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का ऐसा है, साउथ अफ्रीका में वो शीतोष्ण जगह पे होने की वजह से यूरोपियंस थे, उन्होंने उसको सेटलमेंट बनाया, वहां पे रहे, इस वजह से डेमोक्रेसी का वहां पे फैलना काफी आसान हुआ। तो जहां बाकी जगहों पर अगर आप देखो अफ्रीका में जहां पे ये सारे देश आपस में लड़ रहे थे, उस वक्त साउथ अफ्रीका लड़ नहीं रहा था। साउथ अफ्रीका के साथ और एक बेनिफिट भी है, साउथ अफ्रीका में खेती भी बहुत शानदार होती है, बहुत अच्छी होती है, वहां पर पशुपालन भी बहुत अच्छा होता है, वहां पर एक शीप होती है, शीप, मेरिनो शीप कहते हैं उसे, मेरिनो नाम सुना आपने, एक मेरिनो शीप जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा वुल देती है, जो क्या कहते ऊन, तो वो सबसे ज्यादा देती है, कौन सा, ये मेरिनो शीप। दुनिया में सिर्फ दो जगह है जहां पर मेरिनो शीप मिलती है, एक साउथ अफ्रीका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया, इन दो ही जगह में मिलती है। तो वैसा देखा जाए तो वो मेरिनो शीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया की, बट चूंकि ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया में भी थे और साउथ अफ्रीका में भी थे तो उन्होंने वो मेरिनो शीप यहां पर भी लेके आ गए। अब यहां की जो सिचुएशन है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी है करीब करीब, जो ठंड जो शीतोष्ण वाला जगह है ऑस्ट्रेलिया का उसकी जैसी, इस वजह से यहां पर भी मेरिनो शीप टिक गई। तो यहां पर पशुपालन भी बहुत अच्छा होता है, वहां से भी इनका पैसा अच्छे से आता है, खेती भी बहुत अच्छी होती है। दूसरा और एक, ये जो है ना पहले का जो ट्रेड था वो पूरा ऐसा होता था, तो इस ट्रेड के थ्रू भी सुएज कनाल बनने से पहले इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया यहां से, है ना, कौन सा, ये केप ऑफ गुड होप से भी काफी हद तक ट्रैवल होता था। तो यहां से भी जैसे आज की तारीख में अगर आप देखो तो सिंगापुर में क्या है, कुछ नहीं, बस वहां पर मैक्सिमम ट्रेड एक्टिविटी सिंगापुर के इससे होती है, पोर्ट से होती है, इस वजह से वो पैसा कमाता है, इसलिए सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है। तो यहां पर भी इसी वजह से साउथ अफ्रीका को उसका बेनिफिट हुआ। तो तीन चीजें थी यहां पर, एक तीन चार चीजें थी कि यहां पर का क्लाइमेट, तो यूरोपियंस ने यहां पर आके सेटलमेंट करना उचित समझा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आसानी से फैले। दूसरी बात, यहां पर किसानी, खेती आराम से हुई, पशुपालन अच्छा हुआ, औद्योगिक विकास भी यहां पर तेजी से होता चला गया बाद में। इसी वजह से आप देखो तो पूरे की पूरे अफ्रीका एक साइड में रह जाता है अलग, साउथ अफ्रीका अलग, तो साउथ अफ्रीका का डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से हुआ है बाकी देशों के तुलना में, ठीक है। चलो तो ये हुआ अफ्रीका के बारे में। एक चीज और अफ्रीका के बारे में आती है कि ऐसा क्या था कि कई सालों तक यूरोपियंस हो गए या नॉर्थ अमेरिकन्स, कोई भी अफ्रीका में नहीं गया, बहुत दिनों तक अफ्रीका में कोई नहीं गया था। वो तो बाद में जब उनको पता चला कि अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्सेस है वगैरह, तब जाके उनका वहां पर पेनिट्रेशन हुआ, बट पहले अफ्रीका में क्यों नहीं गए यूरोपियंस, क्योंकि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था। क्यों डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था अफ्रीका को, जानकारी कम क्यों थी, हाँ घना जंगल था, कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है वो कि वहां पर उसको एक्सप्लोर करना, उसमें जाना, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने। जंगल के साथ साथ वहां पे बहुत बड़ा क्या कहते रेगिस्तान भी था, सहारा रेगिस्तान। तो आप उत्तर की तरफ जाओ सहारा रेगिस्तान है, बीच में आओ तो आपको पूरा वो जंगल ही जंगल मिलेगा, तो एक्सप्लोर करना कठिन है। ब्रिटिशर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस कोस्ट पे आप आते थे, तो भाई यहां पर रेगिस्तान और यहां पे जंगल, तो उनके हिसाब से मतलब ऐसा था कि अफ्रीका में कुछ भी नहीं है। कई सालों तक तो उनको लगा अफ्रीका में कुछ नहीं है। इसी के साथ साथ ये जो देश है ना यहाँ पे, ये इसे साहेल रीजन कहते हैं, ये पूरा रीजन जो है ना साहेल रीजन कहते हैं, दुनिया का सबसे गरीब देशों का रीजन माना जाता है। ये देश दुनिया के सबसे गरीब देश है, कौन से, ये सारे गुनिया, सियेरा लियोन, कोट डिवोर, दुनिया के सबसे डेडली डिजीज जो है ना, आप जितने भी सुनते हो, इवन ये मंकी पॉक्स भी
दुनिया अभी जो मंकी पॉक्स चल रहा है ना, एमपॉक्स, दुनिया के मैक्सिमम डेडली डिजीज जो निकल के आते हैं वो डिजीज जो है वो इन देशों से निकल के आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर रहना उनके लिए फेवरेबल था नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि डिजीज प्रोन रीजन था, ट्राइबल बहुत ही ज्यादा आक्रामक थी यहां पर, और उसी के साथ साथ ऊपर रेगिस्तान और पूर्व की तरफ जंगल, तो उनको लगता था कि अफ्रीका में कुछ है ही नहीं, तो वो ज्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाए। इसी वजह से अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था। धीरे धीरे जब उनको पता चला कि क्या है अफ्रीका में, गोल्ड मिला, डायमंड मिला, तब जाके धीरे धीरे उन्होंने अपने मिशनरीज को भेजा। मिशनरीज के बाद धीरे धीरे उनका एक्सप्लोरेशन वहां पे शुरू हुआ। ठीक है, तो ये हो गई अफ्रीका की कहानी। अब हम लोग चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। आपको कुछ पूछना है अफ्रीका में? और एक चीज है, हाँ, अफ्रीका में अगर देखा जाए, आपको एक चीज बतानी थी, अफ्रीका के अगर फिजिकल मैप को अगर आप देखोगे, तो यहां पर आप देखो ऊपर की तरफ, देखो यहां पे कहीं पे नदियां दिख रही क्या आपको? नदियां ही नहीं है वहां, नदियां ही नहीं है। यहां पर कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने, जहां के लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी नदी नहीं देखी, उनको पता ही नहीं है कि नदी कैसे बहती है। मतलब ये हालत है वहां पे, छोटे छोटे जो जिसे हम लोग हॉलोस कहते हैं, रेगिस्तान में क्या होता है ना, मिट्टी इधर उधर खिसकने की वजह से वहां पे खड्डे बन जाते हैं। अब जब रेगिस्तान में कभी एक अकाली बारिश होती है कि भाई ऐसे ही बारिश हो गई, उस बारिश के वजह से एक छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं वहां पे, उन तालाब के पानी से अपना काम चलाते हैं वो तालाब का पानी सूखता रहता है और नया कोई तालाब बनते रहता है। तो यहां सूखेगा तो वो वहां जाएंगे, फिर वहां से पानी निकालेंगे, फिर वहां सूखेगा तो वहां जाएंगे, ये ऐसे इस तरीके से वो अपने गुजर बसर करते हैं, वो पानी निकालते हैं। तो उनके पास पानी की इतनी ज्यादा कमी है, तो यहां पर तो नदियां है ही नहीं। और अगर आप ये देश, ये रीजन देखोगे तो बस यही पर आपको पानी दिखेगा, एक नाइल नदी ही है बस जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी है। नाइल नदी का जो उगम है वो होता है लेक विक्टोरिया में। देखो ये लेक विक्टोरिया दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं लेक विक्टोरिया। और यहां से नाइल नदी निकल के आती है, व्हाइट नाइल जो ब्लू नाइल से मिलती है यहां पे, और उसके बाद ऊपर जाके इजिप्ट से निकल के वो बह। तो इजिप्ट को कहते हैं, ये जो नाइल, इजिप्ट जो है ना, इजिप्ट यहां पर है, इजिप्ट को कहते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल, क्योंकि इजिप्ट में नाइल के अलावा कुछ नहीं। अगर नाइल ना होता तो इजिप्ट का कुछ ना होता, इजिप्ट कुछ भी ना कर पाता। नाइल नदी के किनारे किनारे पे, जो उसका जो नाइल नदी का किनारा है ना, वहां पे कॉटन की खेती बहुत ज्यादा होती है इजिप्ट में। इजिप्ट का कॉटन जिसे गीजा कॉटन कहते हैं, वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉटन माना जाता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कॉटन होता है, उसके अंदर काफी चमक होती है, तो वो यहां पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसी वजह से इसको गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं इजिप्ट को, क्योंकि उसके वजह से ही जो भी खेती डेवलप हुई वो उस वजह से। मगर आप देखो, एक कंपैरिजन की तरह आपको बोल रहा हूं, भारत में जितनी नदियां है उसकी 30% नदियां भी अफ्रीका में नहीं है, जो अफ्रीका हमसे कम से कम 4 से 5 गुना बड़ा होगा, ज्यादा ही बड़ा होगा, उस अफ्रीका में भारत की 30% नदियों के बराबर भी नदियां नहीं है, इतना कम पानी है वहां पे। तो जो आपने शुरू में बोला था ना कि औद्योगिक क्रांति वहां पे क्यों नहीं हुई, क्योंकि वहां पे लोहा नहीं था, कोल नहीं था, कोयला नहीं था, और उसके अलावा वहां पे क्या नहीं था, पानी भी नहीं था। पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए या फिर औद्योगिक विकास के लिए नहीं, उसके साथ साथ कुछ कुछ और भी है, खेती के लिए तो होता ही होता है, बट पानी जो है ना वो मूवमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कहते हैं कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति होने का एक बहुत बड़ा कारण भी यह था कि वहां की नदियां जो है वो फ्लैट सरफेस के ऊपर बहती है। फ्लैट सरफेस के ऊपर बहने की वजह से वहां पे आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हो नदियों के रास्ते से। और वहां के देश चूंकि आपस में अलाय बन चुके थे, उन्होंने दोस्तियां कर ली थी आपस में, यूरोपियन देशों ने, तो इस वजह से एक देश से दूसरे देश में आप नदी के रास्ते से आराम से पहुंच सकते थे। और उन्होंने इसीलिए इनलैंड वाटरवेज बनाए थे। भारत में इनलैंड वाटरवेज बने हुए, पता है ना आपको, 6 इनलैंड वाटरवेज है भारत के अंदर। इतना बड़ा देश मगर सिर्फ 6 इनलैंड वाटरवेज है हमारे देश में। अभी तक हमने बहुत ज्यादा सोचा नहीं था उसके बारे में, बट अब हम धीरे 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 इनलैंड वाटरवेज बनाते चले जा रहे हैं। यूरोप ने ये इनलैंड वाटरवेज 19वीं सदी में ही बना लिए थे, इतना ज्यादा वहां पर वाटरवेज का चलन चल चुका था।
अगर आप अफ्रीका में देखो तो अफ्रीका की प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो पानी है नहीं, और जहां जहां पे पानी है वो उबड़ खाबड़ जमीन पे बना हुआ है, तो कहीं पर ऐसा ये नदी ऐसे जाती है और तुरंत एक बहुत बड़ा वाटरफॉल आ जाता है और उसके बाद वापस नदी बहेगी। अब वाटरफॉल आ गया तो फिर तो इनलैंड वाटरवे का कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो ही नहीं पाएगी, वहां कैसे कोई जा पाएगा नहीं, तो इस वजह से वहां पर वो ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप नहीं हो पाया, वो भी एक दिक्कत है। ये थी ओवरऑल अफ्रीका की प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका देखते हैं। आप लोगों की क्लास कितने बजे तक होती है वैसे? 8 बजे तक होती है। अच्छा कितना क्या टाइम हुआ अभी? टाइम है ना अपने पास, अभी तो आधा घंटा है। आप लोगों को बोर हो रहा है क्या? वो पीछे एकदम बैग बैग लेके बैठा है ना, तो मैं थोड़ा सोचने पड़ गया कि टाइम हो गया क्या। जनरली क्या होता है क्लास में बच्चों को जब इंडिकेशन देना होता है टीचर को कि टाइम हो गया है, तो ये ऐसे खच 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 बैगों का आवाज शुरू हो जाता है, पेपर पलटाना शुरू कर देते हैं, बैग ऐसे पकड़ना शुरू कर देते हैं, तो समझ आ जाता है कि अब फुटो यहां से, तो वो इंडिकेशन होता है बच्चों का कि अब निकलो। तो भाई वो इस वजह से मुझे लगा कि 8 बजे कितने बजे होता है तुम लोगों का क्लास खत्म। आप लोगों को अगर ये डायग्राम चाहिए तो ले लेना, ये सारी डायग्राम हम लोग ना मैपिंग जब करेंगे तो मैपिंग में भी आपको पूरा ये एक्सप्लेन करूंगा। ये तो मैंने काफी सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया, बट हम जब मैपिंग करेंगे तो उस वक्त कौन कौन से लैंडफॉर्म्स कहां पर है, मिनरल रिसोर्सेस कहां पर है, डेवलपमेंट कहां पर, सब कुछ एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव पूरा ही हो जाएगा, तो आपको मैपिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद। चलो एक बेसिक सवाल पूछता हूं आपको, वो मुझे बताओ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों अमेरिकाज है, इनको किसने ढूंढा था सबसे पहले? कोलंबस ने। कोलंबस ने एक्सीडेंटली ढूंढ लिया था उसको, उसका कोई ऐसा था नहीं कि अमेरिका ढूंढना है। उसके बाद अमेरिका वेस्पुसी ने ढूंढा, मतलब अमेरिका प्रॉपर अमेरिका ढूंढा, ये तो इंडिया ढूंढने निकला था और इसको अमेरिका मिल गया कोलंबस को। बट खैर फिर भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों जो है वो कोलंबस ने ढूंढा करीब करीब आई थिंक 1412 या 15 में कहीं तो, हाँ कभी उसने ढूंढा। अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका में आज अगर देखा जाए तो दोनों के डेवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। जहां नॉर्थ अमेरिका जबरदस्त डेवलप हुआ, साउथ अमेरिका का डेवलपमेंट काफी पीछे रह गया। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? बहुत ही ये सबसे ब्रॉड बेसिक क्वेश्चन मुझे तो ये आता है अमेरिका को लेके, आप बताओ क्या होगा इसके पीछे का कारण? कहां पे? अमेरिका में। यूरोपियन काफी बसे, साउथ अमेरिका में क्यों नहीं बसे? क्लाइमेट वैसा नहीं था, ठीक है। काफी साउथ अमेरिका का काफी प्रदेश जो है वो उष्ण प्रदेश में आता है, वो नहीं शीतोष्ण प्रदेश में एकदम साउथ वाला पार्ट आता है अर्जेंटीना चिली वाला, तो इस वजह से वहां पे ज्यादा हुआ नहीं। कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, तो इसीलिए वजह से टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया, ये बोल रहे हो आप, ठीक है। पर टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना है तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, तो वो कहां से लाया होगा इन्होंने? सही है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपको एक बात बता दूं, देखो सुनो, सबसे पहले
नॉर्थ अमेरिका में कभी मोनार्की आई ही नहीं। कभी सुना आपने नॉर्थ अमेरिका में मोनार्की थी? नहीं, कभी नहीं थी कोई मोनार्की। कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर इनकास थे, एस्टेक्स थे वहां पे, इनकास सिविलाइजेशन थी या एस्टेक सिविलाइजेशन थी। तो इनकास सिविलाइजेशन ये मेक्सिको वाले जगह पर थी, सेंट्रल पार्ट पर थी। इनकास सिविलाइजेशन यहां पर थी कही तो, ये इनकास वाला जगह है ना, और एस्टेक के ये इनकास वाला जगह है। और एस्टेक की अगर बात करें तो साउथ अमेरिका की तरफ थी वो। पूरा नॉर्थ अमेरिका कभी भी मोनार्की में नहीं आया। मोनार्की मतलब कोई राजा नहीं बन के आया यहां पे। तो ऑटोक्रेसी यहां पे कभी डेवलप नहीं हुई। देखो आप अगर सारे की सारे जगहों को अगर अच्छे से टटोल के देखो तो आपको ये दिखाई देगा, किसी भी जगह पर अगर डेवलपमेंट की मार हुई है, डेवलपमेंट ना हो नहीं पाई, तो उसके पीछे बहुत ही कॉमन कारण थे, भले वो कोई भी देश रहे। पहले बात तो वहां पर मोनार्की, एक ही कोई तो एक राजा बन के बैठा हुआ है। ये मोनार्की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, यहां पर जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस संसाधन जो है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अनइवन हो जाती है। कुछ लोगों के पास बहुत सारे संसाधन आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम संसाधन बच जाते हैं, क्योंकि मोनार्की कंसंट्रेशन में बिलीव करती है, पावर कंसंट्रेशन में बिलीव करती है, और डेमोक्रेसी हमेशा पावर वितरण में बिलीव करती है ना। तो उल्टा है सिस्टम दोनों का। तो मोनार्की जहां पर भी आएगी वहां पर डेवलपमेंट रुकेगी। हाँ, कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर मोनार्की होने के बावजूद वहां पर डेवलपमेंट हुई है, बट वो काफी हद तक फिर डिपेंड करता है उसी एक आदमी के मन पे कि वो क्या डेवलपमेंट चाहता है वहां पे कि नहीं चाहता। सब जगह पे मोनार्की डेवलपमेंट नहीं चाहती है ना। अब जैसे यूरोप में, यूरोप में क्या हुआ था, पोप का वर्चस्व, कंडीशन भी वैसे निकल के आई थी, पोप का वर्चस्व बहुत ज्यादा था। अब होता क्या था, देखो एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती, तो भाई एक तो पोप सबसे श्रेष्ठ बनेगा, सबसे पावरफुल बनेगा, या फिर राजा सबसे पावरफुल बनेगा। राजा तो पोप नहीं था, तो राजा सबसे पावरफुल बनेगा या फिर पोप सबसे पावरफुल बनेगा। यूरोपियन सोसाइटी में प्रॉब्लम यह थी कि पोप पावरफुल था, तो इस वजह से राजा को सारी पोप की बातें माननी पड़ती थी। राजा तब भी थे बट राजा को बात माननी पड़ती थी। अब राजा ने सोचा कि यार इस पोप की पावर को कम कैसे किया जाए, तो जब भी पोप के खिलाफ कोई आवाज उठती थी, जिसे हम लोग कहते हैं रेनेसा, जब वो रेनेसा आया, मार्टिन लूथर किंग ने जब आवाज उठाई, उसके बाद कई लोगों ने जब आवाज उठाई, तो उन आवाजों को सशक्तिकरण करने का काम किसने किया, राजाओं ने। क्यों? क्योंकि राजाओं ने यह सोचा कि अगर इन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो पोप के खिलाफ आवाज उठा रहे, और इन लोगों को अगर हमने सपोर्ट किया तो आगे चल के पोप की पावर कम होगी और हमारी पावर बढ़ेगी। तो इसी वजह से उन्होंने जो रिनेसा था उसको सपोर्ट किया, किसने, ऑटोक्रेसी ने। अब जब पोप की पावर कम हुई, धीरे धीरे ऑटोक्रेसी निकल के आ गई, भाई राजा स्ट्रांग बनने लग गया। बट तब तक यह हो गया था कि उसने जो लोगों को सशक्त किया था, वो लोग अपने खुद की विचारधाराओं के भी निकल के आ गए, उन्होंने खुद की विचार करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था वहां पे कि ऑटोक्रेसी आ गई तो अब सब लोग अपने आप मोनार्की की बातें मानना शुरू कर देंगे, ये नहीं था। तो लोगों ने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट सोच लाना शुरू कर दिया। इस वजह से यूरोप में डेवलपमेंट फटाफट हो गई। ऐसा नहीं था वहां पे कि मोनार्की, अब पोप की पावर कम हुई है तो अभी मोनार्की आ जाएगी और मोनार्की सबको गवर्न करेगी। लोग अपने आप में इतने सशक्त हो गए थे कि उन्होंने मोनार्की को कभी भी इतना पावरफुल बनने ही नहीं दिया। इस वजह से आप अगर देखो यूके के अंदर आज भी राजा है वहां पे, बट उस राजा की कोई ताकत इतनी नहीं है कि वो बिल्कुल डेमोक्रेसी को हटा दे, उसको खुद को डेमोक्रेसी लानी पड़ गई थी वहां पे। करेक्ट, ये सब जगह पे हुआ, फ्रांस में भी हुआ, जर्मनी में, सब जगह पर हुआ, बट अफ्रीका में ये नहीं हो पाया। क्योंकि अफ्रीका में जो एक व्यक्ति निकल के आया बहुत पावरफुल, वो इतना पावरफुल था कि उसने किसी को कुछ माना नहीं और उसने करप्शन बहुत ज्यादा किया। तो हमारे पास दोनों एग्जांपल है कि भाई करप्शन करके एक आदमी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, बट एक मोनार्की जहां पर थी वो कुछ जगह पर ऐसा भी कि डेवलपमेंट भी हुआ है, बट कंडीशंस जो है वो उस तरीके से डेवलप होती चली गई। अमेरिका की अगर आप बात करो तो यहां पर मोनार्की कभी बन नहीं पाई। इसके पीछे देखो कारण क्या, ब्रिटिशर्स ने, कोलंबस ने जब अमेरिका को ढूंढा 15वीं शताब्दी में, जब उसने पहली बार अमेरिका को ढूंढा, तो उससे पहले अमेरिका के अंदर कुछ रेड इंडियंस वगैरह ऐसे कुछ लोग रहा करते थे,
जिनके छोटे छोटे गुड बने हुए थे, तो इनमें ना फ्यूडल सिस्टम चली आती थी, फ्यूडल सिस्टम थी वो, तो कोई राजा निकल के नहीं आया था, छोटे छोटे गुट बने हुए थे। उन गुटों में वो अपने एक लीडर को बना के रखते थे कि भाई ये हमारा लीडर है, और वो जो बोलता था वही बातें वो मानते थे। बट उस लीडर को उन्होंने इतनी पावर नहीं दी थी कि वो उनको हुक्म करेगा, वो बस उनको बोलता था कि ये सही है, वो सही है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उनको एक एक रिस्पेक्ट वाली पोजिशन पे वो बिठा के रखते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबको राज करेगा सबके ऊपर, तो वो राज करने वाली सिस्टम कभी थी नहीं। जब कोलंबस आया, अमेरिको वेस्पुसी गया, उन्होंने जब उस कॉन्टिनेंट को ढूंढ निकाला, वहां पर इतने सारे रिसोर्सेस थे, और अफ्रीका जैसा हाल नहीं था वहां पे कि भाई जंगल ही जंगल है सब जगह पे या रेगिस्तानी है, तो अमेरिका को एक्सप्लोर करना बहुत ही आसान था। इस वजह से वहां से यूके, और यूके का रास्ता भी बहुत छोटा है, तो यूरोपियन देशों से कई सारे जो वोयेजर्स थे, कई सारे लोग थे, वो आके सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिए। अब जब वो सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिए वहां पे, तो वहां की जो आइडियोलॉजी थी डेमोक्रेसी वाली, वो फटाफट यहाँ पे पेनेट्रेट करना शुरू करी। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका ने पूरा की पूरा मोनार्कियल सिस्टम को बाईपास कर दिया, कभी मोनार्की वहां पे, वो सोच वहां पे बनी नहीं पाई कभी। छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको हटा के सीधा डेमोक्रेसी आ गई वहां पे। तो इसी वजह से जब अमेरिकन क्रांति वगैरह हुई, तो उसके बाद उन्होंने सीधा डेमोक्रेसी बनाई, और डेमोक्रेसी के बाद अमेरिका का डेवलपमेंट हुआ। तो इस वजह से अमेरिका ने ना मोनार्की को बाईपास कर दिया, इसीलिए अमेरिका का डेवलपमेंट काफी फास्ट हुआ नॉर्थ अमेरिका का। वही अगर आप साउथ अमेरिका की तरफ देखो, तो जहां पे नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज बनाई थी, साउथ अमेरिका में स्पैनिश लोगों ने और पोर्चुगल के लोगों ने कॉलोनी बनाई थी वहां पे, है ना। तो स्पैनिश और पोर्चुगीज जो थे वो वहां पे ज्यादा गए थे। अब स्पैनिश और पोर्चुगीज लोगों ने वहां पे सेटलमेंट्स खुद जाके नहीं रहे, वो उन्होंने जैसे इंडिया की हालत करी ना उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, कि इंडिया में जाके रहना नहीं है, बस यहाँ से कच्चा माल उठाना है और अपने देश को सुदृढ़ करना है, वही सेम चीज उन्होंने साउथ अमेरिका के साथ भी करी। उन्होंने वहां के सारे रॉ मटेरियल को निकाल निकाल के, वहां पर है ना कई सारे रिसोर्सेस है। अगर आप साउथ अमेरिका की बात करो, तो साउथ अमेरिका ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन है, टिन प्रोड्यूस करता है। कॉपर यहाँ पे एक चिकुई कमाटा प्लेटू है, यहाँ पे चिली रीजन में चिकुई कमाटा नाम है उसका, यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस होता है। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है औद्योगिक प्रगति के लिए। तो कई सारा जो कच्चा माल था ना, वो यहां से निकाल के, प्लांटेशन भी बहुत ज्यादा ब्राजील में प्लांटेशन क्रॉप्स थे, तो यहां से कच्चा माल उठा के वो अपने देशों में लेके चले जाते थे। तो यहाँ पे सेटलमेंट किसी ने नहीं बनाई। तो कोई बोलेगा कि सर सेटलमेंट क्यों नहीं बनाई फिर यहाँ पे, इन्होंने क्यों नहीं बनाई होगी। अगेन सब जगह पे बात आ जाती है क्लाइमेट की। अगर मैं किसी ऐसे प्रदेश में रहता हूं जहां पे टेम्परेचर करीब करीब 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का रहता है, तो मेरे लिए तो ज्यादा फेवरेबल यही है कि अगर चलो मैं स्थलांतरित करके किसी और देश में जाऊं, और उस देश में भी अगर टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो मैं फटाफट एडजस्ट कर लूंगा उसमें। बट उस देश का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो मैं उसमें एडजस्ट कर पाऊंगा क्या इतना आसानी से? नहीं कर पाऊंगा। वो भी तब जब वो देश ही खुद डेवलप नहीं है बिल्कुल। अगर भाई कुछ डेवलपमेंट है वहां पे, तो सोचा भी जा सकता है, बट वहां पे तो डेवलपमेंट भी नहीं है ना। इसी वजह से जो स्पैनिश और पोर्चुगीज के लोग थे, वो साउथ अमेरिका के में जाने के बाद उन्होंने अपनी कॉलोनीज वहां पे बनाई तो सही, बट सेटलमेंट्स नहीं बनाई। अब जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, उसके बाद जब ये वहां से निकले, तो जैसे अफ्रीका में हालत करी थी ना इन्होंने, वो सेम चीजें साउथ अमेरिका में भी हुई, और वहां पर भी झगड़े बहुत ज्यादा हुए, आपसी झगड़े, आपसी रंजिशें बहुत ज्यादा हुई वहां पर। कहां पे? साउथ अमेरिका में राजा निकल के आ गए बहुत सारे। जब झगड़े होते तो उनमें से कोई राजा लीडर तो निकल के आता ही है। जब वो लीडर निकल के आया, तो उन्होंने वहां पर करप्शन, क्लिप्टोक्रेसी जैसे मैंने नाम दिया था, ये सेम क्लिप्टोक्रेसी साउथ अमेरिका में भी हुई, और उस वजह से वहां पर डेवलपमेंट कम हुई। तो ये साउथ अमेरिका की स्टोरी है। साउथ अमेरिका डेवलप क्यों नहीं हो पाया, नॉर्थ अमेरिका ही ज्यादा डेवलप क्यों हुआ, ठीक है। अगर इसकी बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो एक देखो रिसोर्सेस के हिसाब से क्या क्या फेवरेबल सिचुएशन थी। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका में ये रॉकी माउंटेन है, यहां पे ये देखो ये एपलेशन माउंटेन दिख रहा है आपको, एपलेशन। देखो सुनो, अभी रिसोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्थ अमेरिका में। एपलेशन माउंटेन में दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल मिलता है, कोयला मिलता है।
अब तो कोयले की खदानें काफी हद तक कम हो चुकी है वहां पे, क्योंकि ये जो यहाँ का कोल है ना एपिलेशन का वो निकाल चुके हैं, पर दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो कोयला है वो मिलता है एपिलेशन में। इसी के साथ साथ ये जो कोस्टल एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा यहां से लेके यहां तक का, यहां पर ऑयल रिजर्व्स बहुत सारे पाए गए, ऑयल नेचुरल गैस जो है ना वो काफी हद तक पाए गए, तो ये भी एक बेनिफिट है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर अंदर की तरफ जाओगे तो ये देख रहे हैं आपको, ये लेक्स दिख रही है आपको, लेक्स, ये ग्रेट लेक्स कहते हैं इसे, सबको दिख रहा है क्या ग्रेट लेक्स वैसे? ये देखो लेक सुपीरियर, लेक यूरोन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो, ये लेक्स पता है दुनिया में जितना भी फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर जो मीठा पानी होता है ना, दुनिया में 20% से भी ज्यादा मीठा पानी जितना है टोटल, उसका 20% से भी ज्यादा मीठा पानी यहां मिलता है इन इन लेक्स के अंदर है, इन लेक्स में दुनिया का 20% बहुत ज्यादा होता है ना, तो ये यहां पर मिलता है, इतना ज्यादा पानी है। और उसके साथ साथ ये ग्रेट लेक्स का जो आसपास का एरिया है ना, यहां पर लोहा मिलता है बहुत ज्यादा प्रमाण, लोहा मिलता है लोहा, इसीलिए यहां पे डेट्रॉइट करके एक सिटी है, वहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। एक्रॉन करके एक सिटी है डेट्रॉइट के थोड़ा आगे, एक्रॉन करके एक सिटी है, वहां पर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है, तो ये भी एक कंडीशन फेवरेबल है यहां पे। अगर आप और वेस्ट की तरफ जाओगे तो ये क्या पता है, इसे कहते हैं ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन वाला एरिया। ग्रेट प्लेन वाला एरिया क्या है, स्टेपी रीजन, सुना आपने नाम स्टेपी, छोट मतलब वो घास, घास के जो मैदान होते हैं, शीतोष्ण घास के, घास के मैदान, घास के मैदान तो दो होते हैं, एक तो उष्ण प्रदेशीय में, उष्ण प्रदेश में जो होते हैं वो, और एक शीतोष्ण प्रदेश में जो होते हैं वो, तो शीतोष्ण प्रदेश में जो घास के मैदान होते हैं ना जो पूरे ग्रीन होता है वो यहां पे मिलते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी की सॉइल यहां पे मिलती है, जिसका नाम है चेर्नोजेम, चेर्नोजेम, दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी की सॉइल होती है चेर्नोजेम, और दूसरी सबसे बेहतरीन हमारी सॉइल है एलिवियल सॉइल भारत की, नॉर्थ उत्तर भारत की, चेर्नोजेम सबसे बेहतरीन सॉइल है जो यहां पर मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर एग्रीकल्चर भी उतना ही ज्यादा डेवलप होगा, तो यहां पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है ये ग्रेट प्लेन्स वाले एरिया में। ऊपर की तरफ आप जाओगे तो देखो एग्रीकल्चर जहां पर होता है उसके पास आसपास आपको पशुपालन भी काफी हद तक मिल जाएगा, तो यहाँ पे पशुपालन, मीट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हुई है, बीफ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हो रखी है, तो ये मिल्क इंडस्ट्री जो है ना, मिल्क इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप है, तो वो सारी चीजों की वजह से यहां पर एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है। इसी के साथ साथ यूएस ने ये रीजन, और उसके साथ साथ ये पहले रशिया के पास हुआ करता था, अलास्का, अलास्का ने, रशिया ने जो अलास्का वाला रीजन है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के हिसाब से उनको साइबेरिया गवर्न करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो अलास्का तो उनके लिए बहुत दूर हो गया, इसलिए उन्होंने क्या किया, अलास्का जो है वो यूएस को बेच दिया। जब उन्होंने अलास्का यूएस को बेच दिया ये सोच के कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, बाद में यूएस ने उसके अंदर जबरदस्त मिनरल रिसोर्सेज एक्सप्लोर किए, आज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिनरल ऑयल रिजर्व, शेल गैस रिजर्व जो है वो अलास्का में मिलते हैं, तो वो भी एक फायदा हो गया। तो यूएस के लिए है ना बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसे, एक उसका नसीब बहुत साथ दिया हर जगह पे, जहां पे भी उसने जमीन खोदी है वहां पर उसने कोई ना कोई मिनरल रिसोर्सेस मिलाया हुआ है, तो इस वजह से अगर आप देखो तो यूएस को इस चीज का फायदा हुआ है। इवन ये अगर देखो आप कनाडा वाला रीजन, तो ये जो है ना इसे क्रेटोनिक ब्लॉक कहते हैं, क्रेटोन वाला रीजन। अब ये क्रेटोनिक ब्लॉक होता क्या, ज्वालामुखी जब फटता है ना तो कभी कभी ज्वालामुखी जमीन के ऊपर निकल के आ जाता है, तो जो लावा होता है वो जमीन के ऊपर निकल के आ जाता है, बट कई बार वो लावा जमीन के अंदर अटक के रह जाता है। जरूरी है क्या कि हर बार लावा बाहर ही निकल के आएगा, कभी कभी वो जमीन के अंदर भी रह जाएगा। जब वो जमीन के अंदर रहता है तो वहां पे वो सॉलिडिफाई हो जाता है ना, पत्थर बन जाता है। अब वो जो अंदर जो लावा अटका हुआ है, अंदर का जो लावा अटका हुआ है वो धीरे धीरे या ऊपर से विदरण होते 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 ये जो लावा का पत्थर है ये एक्सपोज हो जाएगा, तो इसको कहते हैं क्रेटोन। ये जो लावा का पत्थर होता है ना इसके अंदर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस मिलते हैं, क्योंकि देखो मिनरल रिसोर्सेस जो है, खनिज संपत्ति है, वो कहां से बनती है, कुछ तो होता होगा, बनता तो सब कुछ लावा से ही है ना,
तो लावा के अंदर जहां पर भी लावा निकल के आता है वहां पर मिनरल रिसोर्सेस मिलते ही मिलते हैं। अगर आप देखो भारत में भी छोटा नागपुर प्लेटू है, क्रिटेशियस पीरियड में जब भारत में डेक्कन प्लेटू में बहुत सारा लावा निकल के आया था उस वक्त ये लावा छोटा नागपुर प्लेटू तक भी गया था। इसी के साथ साथ उसके पहले भी क्रिटेशियस पीरियड के भी पहले मतलब आज के करीब करीब 600 मिलियन सालों पहले तब भी जब लावा फूटा था तो तब वो लावा भी छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर निकल के आया था। तो छोटा नागपुर प्लेटू ये ऐसी जगह है जहां पे 2 से 3 बार लावा का उद्रेक हो चुका है, तो इसी वजह से वहां पर इतने सारे मिनरल मिलते हैं। क्योंकि मिनरल बनते किससे, बनते तो लावा से ही है ना। तो यहां पे क्या हुआ, जो लावा अंदर था, जो लावा का पत्थर था अंदर, वो एक्सपोज हो गया, तो इस वजह से यहां पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत सारे मिलते हैं, तो कनाडा को उसका फायदा हो गया। इसी के साथ साथ अगर आप देखो ये ना यहां पे एक हाँ ये न्यू फाउंडलैंड है, इस लैंड का नाम है न्यू फाउंडलैंड। देखो इसका न्यू फाउंडलैंड, ये इसका नाम है नोवा स्कॉशिया। ध्यान से देखना कौन सा बोल रहा हूं, न्यू फाउंडलैंड नोवा स्कॉशिया। तो जल धाराएं जो हमने देखी थी ना थोड़ी देर पहले, मैं आपको कुरुशी ओयाशी जापान में बताई थी, तो यहां पर भी दो है, लैब्राडोर आती है ऊपर से जो ठंडी होती है और ये गर्म जो आती है नीचे से, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, एक गर्म धारा एक ठंडी धारा जो आती है, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये यहां पर मछली जो मछली पालन के लिए जो मत्स्य उत्पादन होता है उसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है ये सिचुएशन, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर आता है कई सारा। ये जो जल धाराएं होती है ना ये अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आती है, जब वो आपस में टकराती है तो टकराने की वजह से वहां पर ठहराव लेती है, रुकती है, तो न्यूट्रिएंट्स भी वहां पर रुकते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को खाने के लिए बहुत दूर दूर से फिशेस वहां पे आती है। देखो आप बोलोगे कि देखो अगर आपने पढ़ा होगा फैक्चुअली तो ये है कि दुनिया का सबसे ज्यादा फिश प्रोड्यूसिंग देश भारत है। भारत जो है अभी अभी हमारा रैंक 1 हो गया है, तो सेकेंड पे थे फर्स्ट हो गए हम लोग, फिश तो हम लोग इतना प्रोड्यूस करते हैं, बट फिर भी इनको इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिलता है, यहाँ की फिशेस को इतना, जापान की फिशेस को इतना ज्यादा वैल्यू क्यों मिलती है, पता है कारण क्या है उसके पीछे। सबसे पहली बात, दो तरीके की फिशेस होती है, एक ऐसी फिश जो ऊपर ठंडे प्रदेश में मिलती है, शीतोष्ण प्रदेश में मिलती है, और ऐसी फिश जो उष्ण कटिबंधीय जगह पर मिलती है, उष्ण प्रदेश में ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है। जितने गर्म जगह पर फिश मिलेगी उतना उसमें ऑयल ज्यादा होगा, उसके शरीर में ऑयल ज्यादा होगा, ऑयल ज्यादा होगा तो उसका टेस्ट खराब होगा। जितना ठंडी जगह पर फिश मिलती है उसमें उसका ऑयल कम, उसकी शरीर में ऑयल कम होता है और उसकी टेस्ट बेहतर होती है। इसी वजह से ठंडे प्रदेश में मिलने वाली फिश जो होती है उसकी उसका स्वाद बेहतर होता है, तो उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है। ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि ये जो ठंडे प्रदेश में जो ये दो जल धाराएं आके मिल रही है ना, ठंडी और गर्म जल धाराएं, ये जल धाराएं जब आके मिलती है तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो एक ही जगह पे बहुत सारी फिशेज आ जाती है। तो अगर मुझे लेट्स से मुझे मैकरेल फिश चाहिए तो मैं उस जगह पे जाऊंगा, एक ही जगह पे मुझे बहुत सारी मैकरेल मिल जाएगी, तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन है उनको निकालने का जो मेरा खर्चा है वो खर्चा कम पड़ गया, क्योंकि एक ही जगह पे मुझे सारी फिशेस मिल गई तो मैंने निकाल ली। बट अगर आप भारत में देखो तो भारत में ऐसे कोई दो जल धारा है तो आके मिल नहीं रही है, तो कुछ मैकरेल मुझे यहां मिलेगी, कुछ मैकरेल मुझे वहां मिलेगी, वहां मिलेगी, तो फैला हुआ है जगह, तो इस वजह कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, खर्चा ज्यादा पड़ता है, मेहनत ज्यादा पड़ती है, तो मेहनत ज्यादा पड़ेगी तो मैं उसका पैसा भी ज्यादा लगाऊंगा, तो भाई मैं पैसा भी ज्यादा लगा रहा हूं और मेरी फिश की क्वालिटी भी उससे कम है, तो कोई खरीदने वर्ल्ड मार्केट में कोई खरीदने जाएगा तो कौन सी खरीदेगा, ठंडी वाली जगह की खरीदा क्योंकि उसकी प्राइसेस कम है। दूसरी बात है कि वो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है हमसे, तो वो क्या करते हैं फिश को स्टोर करके रखते हैं, उनके पास तो फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है। आपने देखा होगा टूना मछली के कैन आने लग गए भारत में आजकल, सुपर स्टोर में आप जाओगे तो टूना मछली के कैन मिलते हैं ना, कैन में आने लग गई है वो पैक्ड कैन के अंदर। ऐसा कभी देखा है आपने कि भारत की फिश बाहर जा रही है कोई पैक्ड कैन के अंदर? हमारे यहाँ पे फिश प्रोसेसिंग ही डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि भारत में पहली बात तो गर्म जगह है, गर्म जगह है तो जैसे ही फिश निकालते तो उसको फटाफट कंज्यूम करना पड़ता है, तो खराब हो जाएगी क्योंकि गर्म जगह में खराब जल्दी होता है। अगर उसको हमें बचा के रखना है तो हमें कोल्ड स्टोरेज बना के रखने पड़ेंगे, शीत गृह बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, जिसके अंदर हम लोग हमारे फिशेस को स्टोर कर पाए, शीत गृह हमारे पास है नहीं, तो इस वजह से हमारी फिशेस वेस्ट बहुत ज्यादा होती है, हमें फेंकनी पड़ जाती है बहुत सारी, ये भी एक दिक्कत है ना।
इसीलिए प्रोसेसिंग के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। फिश खाने का मार्केट भी यहाँ पे रिलेटिवली कम है क्योंकि वेजिटेरियन पॉपुलेशन थोड़ी रिलेटिवली ज्यादा है, बट यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में उनका मार्केट बहुत बड़ा है। तो ये सब कारणों की वजह से वहां की फिशेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। आप देखो टूना मछली जो होती है, आप अगर देखो जापान में देखो या फिर नॉर्थ अमेरिका में जो मिलती है, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का मीट होता है उनका, कंपेयर टू आर फिश जिसका मीट इतना सुपीरियर नहीं होता। चलो तो ये दो देखिए हमने यहाँ पे, एक ऊपर से आ रही है कौन सी, लैब्राडोर, नीचे से आ रही है गल्फ स्ट्रीम। ये लैंड का नाम मैंने क्या बताया इस आइलैंड का, न्यूफाउंडलैंड। और ये जो है ना यहाँ पे, इसका नाम है नोवा स्कॉशिया, नोवा स्कॉशिया। तो ये एक जगह है यहाँ पे, ठीक है, ग्रैंड बैंक और डॉजर बैंक, ग्रैंड बैंक इधर, डॉजर बैंक यहाँ पे, दो बैंक है यहाँ पे। बैंक वो जगह होती है जो थोड़ा उथल प्रदेश होता है, वो जहां पे फिशेस बहुत आसानी से मिल सकती है, तो फिशिंग करने के लिए जो जगह होती है उसे बैंक कहते हैं। तो यहाँ पे दो बैंक है, ग्रैंड बैंक और डॉजर बैंक, दो बैंक है, ठीक है। तो रिसोर्सेस के बारे में समझ में आया आपको, कहां कहां पे कौन कौन से रिसोर्सेज है। साउथ अमेरिका में अगर हम चले तो वहां के रिसोर्सेज देख लो फटाफट कि कौन कौन से रिसोर्सेज है वहां पे। ऐसा क्या हुआ कि मुंद्रो पॉलिसी आई थी, मुंद्रो पैक्ट आया था ना, इस मुंद्रो ही कहते हैं उसे, जिसके अंदर अमेरिका ने सारी यूरोपियन कंट्रीज को बोल दिया था कि आपको जहां कोलोनाइजेशन करना है कर लो, बट साउथ अमेरिका की तरफ आंख उठा के भी मत देखो। ऐसा क्या, बिग ब्रदर क्यों बन रहा था ये साउथ अमेरिका का, यूएस में ऐसा क्या हुआ कि यूएस कहता है कि नहीं साउथ अमेरिका के पास मत देखो, साउथ अमेरिका पूरा हमारा है। हाँ, क्या था साउथ अमेरिका में ऐसा, मुंद्रो पैक्ट नाम सुना है आपने कभी, कि अभी तक नहीं पढ़ाया, वो पढ़ा दिए क्या, अरे ये कहां से आ गया, एक सेकेंड ना, ठीक है, ये देखो ये है साउथ अमेरिका, कंट्रीज देखो यहां पे कौन कौन सी है। अगर आप देखो कि कौन सी कंट्री है, तो करीब करीब 50% से भी ज्यादा हिस्सा जो है साउथ अमेरिका का वो अर्जेंटीना और ब्राजील ने अक्वायर करके बैठे हुए, और कॉर्नर कॉर्नर के जो रीजन है पूरे ऊपर की ओर कॉर्नर पश्चिम के ओर के, यही बस थोड़े बहुत मिले हुए दूसरे कंट्रीज को। तो यहाँ पे जैसे फ्रेंच गुनिया आई है, फ्रेंच गुनिया इधर क्या ब्रैकेट में फ्रांस लिखा हुआ है, तो ये फ्रांस की टेरिटरी है जो आउटसाइड टेरिटरी है, इनकी कॉलोनी हुआ करती थी, उन्होंने अपनी कॉलोनी को अभी भी नहीं छोड़ा है, इतना हद तक कि अब वहां के जो लोग हैं वो अपने आप को फ्रेंच ही समझते हैं अभी वहां के लोग भी, क्योंकि वहां पे जाके फ्रेंच लोग भी जाके बस गए, तो उन्होंने अपनी सेटलमेंट बढ़ा ली, तो वो फ्रेंच वाला ही एरिया हो गया, तो इसलिए फ्रेंच गुनिया नाम दे दिया इसको। इसके बाद सुरीनाम, नाम सुनो बस इनके, आपने कभी कभी इन कंट्रीज के नाम नहीं सुने होंगे तो आपको याद हो जाएंगे, सुरीनाम, गुयाना, ये फ्रेंच गुयाना है, ये गुयाना है, फ्रेंच गुयाना अलग है, गुयाना अलग है, इन दोनों के बीच में सुरीनाम है, तो आपस में इवन इनकी बॉर्डर भी मैच नहीं करती, अलग अलग है। तो सुरीनाम, गुयाना, ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला का नाम आपने कई बार सुना होगा, यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुआ था बहुत बड़ा, है ना, जबकि वेनेजुएला के किस चीज के लिए जाना जाता है, दुनिया का सबसे ज्यादा, एक टाइम ऐसा था कि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल वेनेजुएला में निकलता था। मराइकाइबो रीजन है यहाँ पे, देखो ये मराकाइबो, ये वाला, ये जो लेक दिख रहा है आपको, ये व्हाइट व्हाइट सा, दूर से तो आपको ये दिख रहा होगा, ये छोटा सा देखो दिख रहा है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल मिलता है दुनिया का, मगर जस्ट बिकॉज वेनेजुएला के अंदर एक कोई तो एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम थी, कि भाई कोई तो राजा जैसा आदमी बना हुआ है, अपने आप को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाने के बाद भी किसी ने एक ऑटोक्रेसी बना के रखी थी, उसके वजह से सारा बर्बाद हुआ, नहीं तो आज वेनेजुएला वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री हो सकता था, क्योंकि उसके पास ऑयल रिसोर्सेस काफी है। तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, ये इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, ये पूरा देखो एक डंडी, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, देखिए पैराग्वे उरुग्वे भी ये गुए गुए भाई भाई लगते हैं, बट इनकी बॉर्डर मैच नहीं करती,
पैराग्वे और उरुग्वे के बीच में ब्राजील आ जाता है, अर्जेंटीना आ जाता है, तो अर्जेंटीना और ब्राजील की बॉर्डर मैच करती है और ऊपर नीचे पैराग्वे उरुग्वे। तो ये सारे देश है कम इसमें, बट उन कम देशों में भी अगर आप देखो तो 50% से भी ज्यादा हिस्सा जो है वो नई कंट्री ने लेके बैठी है, ब्राजील और अर्जेंटीना। अगर आप देखा जाए साउथ अमेरिका, पूरा की पूरा साउथ अमेरिका में एक ठीक ठाक डेवलपमेंट जो एक्चुअल में कर रहा है वो सिर्फ ब्राजील कर रहा है, बाकी सारे के सारे देश जो है वो डेवलपिंग से भी बदतर हालत में है अभी फिलहाल, इतना कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है नहीं। साउथ अमेरिका के पीछे ना डेवलप होने के पीछे कारण मैंने आपको बताया कि स्पेनिश और पोर्चुगीज कॉलोनी थी जिन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान इन पे दिया नहीं, बट इसके अलावा वहां पर आपस में भी है ना क्या था, रंग भेदभाव बहुत ज्यादा था वहां पे, येलो पीपल, रेड पीपल, ब्लैक, तो ये इनके आपस में है ना झगड़े बहुत ज्यादा थे वहां पे, ये स्किन के कलर के हिसाब से ये लोगों को डिफाइन करते थे, अलग अलग लोग बने हुए थे, तो उन्होंने यहां पर सारे फैले हुए और उन्होंने अपने आप में झगड़े कर करके इनका डेवलपमेंट कभी हो नहीं पाया ना। इनके पास जैसे ये पैराग्वे हो गया, बोलीविया हो गया, इनके पास तो कोस्टल एरिया भी नहीं है, तो डेवलपमेंट का कोई स्कोप बचता ही नहीं है। इसको फिजिकल मैप में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन बहुत ही बड़ा, हाइट में भी बहुत ज्यादा है और दुनिया का सबसे लंबा तो वो खैर है ही। इसके कुछ कुछ माउंटेन्स अगर आप देखोगे, ये अकांकागुआ दिख रहा है आपको, ये हिमालय अगर छोड़ दो तो ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है अकांकागुआ, हिमालय का सारे माउंटेन अगर हिमालय को अगर आप ले लोगे तो ये दुनिया का 15वां 16वां हाईएस्ट माउंटेन हो जाएगा फिर, बट हिमालय अगर ना पकड़े हम लोग तो ये अकांकागुआ इज द लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो एंडीज का जो लैंडमास है वो इतना ज्यादा ट्रीचरस है, इतने ऊबड़ खाबड़ जमीन है वहां पे कि यहां पर चिली में, पेरू में, इक्वेडोर में, कोलंबिया में, इन जगहों पर खेती किसानी डेवलप होना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा ऊपर के प्रदेश में अगर आप देखो जो भूमध्य रेखा है वो ऐसी जाती है यहां से, तो ये जो जगह है यहां पे ये क्या बनेगा, बारिश वाला मौसम बन जाएगा यहां पे पूरा। आपको ये समझ में आता है ना कि भूमध्य रेखा जहां से पास होती है वहां पर बारिश ज्यादा होती है, क्यों होती है वहां पर बारिश ज्यादा, क्योंकि हाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है वहां पे, ये जो व्यापारी जो वारे होते हैं ना ये आते हैं, आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद ऊपर जाते हैं, बारिश देते हैं, तो इसे कहते हैं कन्वेक्टिव रेनफॉल, गर्मी की वजह से होने वाली बारिश जो होती है, गर्मी चूंकि हर दिन होती है इस वजह से बारिश भी वहां पे हर दिन होती है, हर दिन बारिश होने की वजह से वहां पे इतनी ज्यादा ग्रीनरी बनी हुई है जिसे अमेजोन के जंगल भी कहा जाता है। इसी अमेजोन के जंगल में अमेजोन की नदी भी है, ये देखो ना ये अमेजॉन की नदी है ना यहाँ पे, ये जो अमेजॉन की नदी है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट नदी है, लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट कौन सी है जी, नाइल, नाइल नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, अमेजॉन। तो ये अमेजॉन और उसका फॉरेस्ट इतना ज्यादा डेंस है ये कि यहां पे कौन कौन सी कंट्रीज है भाई, गुयाना, सुरीनाम, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये क्या ही डेवलप हो जाएंगे ना, यहाँ पे किसानी खेती हो सकती है, तो इसीलिए इनको इवन खाने के लिए, फूड रिसोर्सेज के लिए भी आप आसपास की कंट्रीज पे डेवलप डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इनको बहुत सारा खाने के लिए जो सामग्री होती है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है, आयात करनी पड़ती है, निर्यात बहुत कम होता है। किसी भी देश के लिए ये समझो डेवलपमेंट होने का सबसे, हम तो आज तक यही सुनते आए कि औद्योगिक क्रांति जब होती है तब डेवलपमेंट होती है, बट ये बात समझ लो औद्योगिक क्रांति से भी पहले किसी भी देश में अगर डेवलपमेंट होनी है तो सबसे बेसिक चीज होती है खाना। खाना अगर वहां की सारी पॉपुलेशन को इनफ मिल रहा है और इनफ प्रोड्यूस हो रहा है उसी देश में, तभी जाके वो देश डेवलप हो पाता है, आगे बढ़ पाता है, क्योंकि खाने के लिए आप किसी और देश पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमारे साथ ये हुआ था 1964 में जब अकाल आया था बहुत बड़ा, तो हमारे देश में भी अमरीका से जो फूड ग्रेन आता था वो वीट आता था ना, बताया था आपको शायद एक बार मैंने कभी, वीट ग्रेन आता था वो एकदम ही खराब क्वालिटी का आता था जो वीट, वो खाते थे हम लोग, बट जैसे ही वियतनाम पे वॉर हुआ और भारत ने अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला, अमेरिका ने वो वीट ग्रेन भेजना ही हमारे यहाँ पे, PLA 480 प्रोग्राम कहते थे उसे, वो भेजना बंद कर दिया हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन। अब आप सोचो अगर हमें खाने की जरूरत है और हम किसी और पे डिपेंडेंट है उसके लिए और उसने हमें सप्लाई बंद कर दिया,
तो बाकी चीजें तो धरी की धरी रह जाएगी ना, डेवलपमेंट तो छोड़ दो, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और दूसरी हलचल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से 1966 में इंदिरा गांधी ने इसको एमएस स्वामीनाथन जी को भेजा मेक्सिको कि भाई बाकी सारी चीजें साइड में करो, सबसे पहले देश को फूड के लिए मतलब सेल्फ सफिशिएंट बना दो कि हम किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे खाने के लिए, फूड सिक्योरिटी लाने के लिए। तो इसी वजह से भारत में HYV सीड लाए गए थे और हरित क्रांति भारत में आई थी 1966 में, है ना। किसी भी देश को अगर खुद के पैरों पे खड़ा होना है तो उसकी सबसे बेसिक मूलभूत जरूरत होती है कि वहां पर फूड सिक्योरिटी आ जाए, खाने के लिए हमें किसी और पे मोहताज होने की जरूरत ना पड़े। इन देशों का कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि ये दूसरे पे डिपेंडेंट है खाने पीने की चीजों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना ना डेवलप है। एग्रीकल्चर के नाम पे साउथ अमेरिका में सिर्फ ये जो पैराग्वे अर्जेंटीना वाला जो रीजन है ना, ब्राजील पैराग्वे अर्जेंटीना वाला रीजन, यही रीजन है जहां पर खेती बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छे से होती है, बट ये छोड़ के बाकी जगहों पर ज्यादा हो नहीं पाती। ब्राजील में कोस्टल एरियाज में प्लांटेशन क्रॉप बहुत बढ़िया डेवलप हुए, शुगर केन प्लांटेशन भी बहुत अच्छे से बने हुए वहां पे, कॉफी प्लांटेशन भी बहुत अच्छे बने हुए। तो प्लांटेशन क्रॉप जो ब्रिटिशर्स लाए थे वो तो डेवलप हुए ही है। तो ये सारे रिसोर्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस है। मिनरल रिसोर्सेस की बात करो तो भले ही वो नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज रहे या साउथ अमेरिका का एंडी वाला रीजन रहे, जब भी आपको आगे से रॉकीज और एंडीज की बात आई तो ये बात याद रखना, कॉपर एंडीज में भी मिलता है, रॉकीज में भी मिलता है, एंडीज में बहुत ज्यादा मिलता है, ये याद रखना। क्या याद रखोगे? कॉपर एंडीज में भी मिलता है, रॉकीज में भी मिलता है, मगर एंडीज में बहुत ज्यादा मिलता है, इतना ज्यादा ये चिली रीजन जो है ना, यहां पर एक चिकुई कमाटा प्लेटू है, यहां पर इस जगह अटाकामा डेजर्ट के पास सबसे ज्यादा दुनिया का कॉपर यहीं पर मिलता है। लिथियम यहां पे वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम भी है यहां पे, कहां पे? ये कौन सा बोलिवियन प्लेटू जो दिख रहा है आपको, ये बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, ये एक ट्रायंगल बनाता है, लिथियम ट्रायंगल जिसे कहते हैं, है ना। बोलिविया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड। लिथियम जो आज की तारीख में ईवी बैटरीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो लिथियम प्रोड्यूसिंग रीजन, तो बोलिविया एक बहुत ज्यादा लिथियम प्रोड्यूसिंग रीजन। तो ये सारे मिनरल रिसोर्सेस यहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। और भी कई सारे मिनरल रिसोर्सेस है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे डिटेल में। तो ये होगी साउथ अमेरिका की बात। अभी भी वैसा देखा जाए तो एशिया बाकी है पूरा, है ना, बट ऑस्ट्रेलिया बाकी है डिस्कस करना। करू डिस्कस? हाँ, आप लोग यही रहते हो क्या? मुखर्जी नगर में रहते हो ना आसपास? बस एक 15 मिनट में जितना हो सके कर लेते, मैं ज्यादा एकदम लंबा नहीं खींचूंगा, बट देखते थोड़ा और डिस्कस करें, कोई बात नहीं। जिन बच्चियों को जिनको ऐसा है कि भाई दिक्कत होगी वो जा सकते हैं, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो पे देख लेना उसको भले ही बात। जिनको जाना है वो अभी चले जाओ, ताकि फिर ऐसे मैं डिस्कस करता रहूंगा तब जाने से अच्छा है, अभी उठ के चले जाओ, वीडियो में देख लो भले, कोई दिक्कत नहीं, बट जिनको बैठना है बैठ दे, बस 15 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा मैं, उसके बाद छोड़ दूंगा। ठीक है, सुनो, एशिया की बात करते अभी फटाफट। एशिया जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है भाई, तो यहां पर इतना बड़ा है ये और इतने सारे देश है यहां पर कि इसको एक, जैसे साउथ अमेरिका को हमने एक साथ ही डिस्कस कर लिया, तो वैसे एशिया को डिस्कस करना कठिन है बहुत, इतने आसानी से इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसीलिए आप साउथ अमेरिका के बारे में जब भी सुनोगे, नॉर्थ अमेरिका के बारे में सुनोगे, या बाकी द्वीपों के बारे में भी, खंडों के बारे में भी सुनोगे, तो वहां पर है ना उत्तर पूर्व पश्चिम ऐसे में डिवाइड नहीं होता, मगर इसको जरूर डिवाइड किया जाता है। जैसे एशिया को वेस्ट एशिया कहा जाता है, सेंट्रल एशिया नाम दिया जाता है, नॉर्थ ये पूरा एशियाटिक रीजन जिसे ईस्ट एशिया कहा जाता है, रशिया छोड़ के ईस्ट एशिया इसको कहा जाता है,
रशियन रीजन जो भी एशिया का एक पूरा पार्ट, एक साउथ एशिया जो हमारा वाला रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया जो ये वाला रीजन है यहां पर, तो एशिया को इतने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो एक एक करके देखते हैं कि इनका एक ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ये वेस्ट और सेंट्रल एशिया वाला पार्ट। अगर आप देखो वेस्ट एशियाटिक रीजन, मतलब कौन से रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये पूरा सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, अरब कंट्रीज, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान, इन सारे देशों की बात कर रहे हैं हम लोग। इन सारे देशों को अगर देखा, देखो आप, तो वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो यूएस को सरपास कर जाए। यूएस के आदमी की भी इनकम इतनी नहीं होगी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जितनी, जिससे कई गुना ज्यादा इनकम जो है वो इनकी है। किनकी? वेस्ट एशियन कंट्रीज की। बहुत ही पैसे वाले हैं ये, बट फिर भी इनको डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट? आपने सुना है कभी सऊदी अरेबिया को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं क्या? बट इंफ्रास्ट्रक्चर देखो सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये ऐसे देश है जिनकी अगर सिटीज में इस साल अगर आप जाओ और अगली साल अगर आप जाओ तो आपको हर बार नया कुछ तो भयंकर चेंज मिलेगा वहां पे। इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डायनामिक्स है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतने फटाफट डेवलप होती है ये सिटीज। तो फिर भी इनको डेवलप क्यों नहीं कहते, ये जानना चाहिए। क्योंकि डेवलप्ड का मतलब होता है कि वहां पर सिर्फ पैसे से डेवलप नहीं, बट वहां पर लोगों के लिए, लोगों के जो राइट्स है वो कितने डाइवर्स है, लोगों को फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, औरतों को कितनी फ्रीडम दी गई है वहां पे, क्या औरतों को आदमियों के इक्वल फुटिंग पे रखा गया है कि नहीं रखा गया। आप बोलोगे सर ये तो भारत में भी नहीं है, बट पेपर पे तो है, कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा है। अब कई जगह पे लोग नहीं फॉलो करते, कई जगह पे लोग फॉलो करते, बात अलग है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में तो है। वहां पर तो कॉन्स्टिट्यूशन में तक वो नहीं है, वहां पर तो एक डिफरेंस क्रिएट किया गया है आदमी और औरत के बीच में। इसी के साथ साथ वहां पर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी अनइवन है वहां पे। कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा संपत्ति है, कुछ और बहुत ज्यादा लोगों के पास कम संपत्ति, इस तरीके से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है। इसी के साथ साथ अगर आप वेस्ट एशिया की इकोनॉमी देखो, किसी भी देश को डेवलप कब माना जाता है, डेवलप कब माना जाता है, ये अभी जो कारण बताया मैंने वो तो है ही है। इसी के साथ साथ डेवलप तब माना जाता है जब उसकी इकोनॉमी जो है वो डाइवर्सिफाइड होती है। डाइवर्सिफाइड मतलब क्या, कि उसकी इकोनॉमी सिर्फ एक दो चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है। किसानी में, खेती में भी वो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, वहां पे भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उनके पास औद्योगिकरण भी बहुत अच्छा है, सर्विस सेक्टर भी बहुत अच्छा डेवलप हो रखा है। इसी के साथ साथ मिनरल रिसोर्सेस, एक जो प्राथमिक उद्योग जो है वो भी बहुत अच्छे डेवलप हो रखे हैं। तो ऐसे जब डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी होती है जिसमें सबको रोजगार मिल सकता है, गरीब से गरीब आदमी को, अमीर से अमीर आदमी को, सबको रोजगार मिल सकता है, ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी क्या होती है ना, दुनिया में अगर थोड़ी बहुत उथल पुथल भी हो रही है ना, तो उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज की तारीख में अगर कोई वॉर भी छिड़ जाए तो यूएस को हिलना नहीं अपने जगह से, या यूरोपियन कंट्रीज ऐसा नहीं हो जाएगी कि आज अमीर थी कल गरीब हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मगर कभी अगर दुनिया में ऑयल रिसोर्सेस को अगर दुनिया त्याग दे बिल्कुल, कि ऑयल रिसोर्सेज यूज ही नहीं करने, इन देशों का क्या होगा, वेस्ट एशियन कंट्रीज का, ये हिल जाएंगे। क्योंकि इनकी 90% इकोनॉमी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, तेल पे, ऑयल और नेचुरल गैस, ये दो चीजें इन्हीं पे इनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। तभी तो ये कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि इनका ऐसा है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो पहली बात टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी बहुत जबरदस्त डेवलप होगी, जो हो भी रखी है, इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप्ड है। और दूसरा यहाँ पर सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री भी डेवलप होती चली जाएगी, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा वहां पर, देखो क्या होता है ना, जिस आदमी के पास स्किल ज्यादा होता है वो हमेशा बहुत अच्छी जगह पर जाना प्रेफर करता है। नहीं, मेरे पास अगर स्किल बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि मुझे जॉब भी बहुत बढ़िया मिलेगी, बट अगर मुझे जॉब बढ़िया मिलेगी, मैं अगर पैसा ज्यादा कमा रहा हूं तो कोई रेगिस्तान में जाके तो मैं रहूंगा नहीं, कमा रहा हूं तो मैं खर्च भी करना पसंद करूंगा, तो खर्च करने के लिए मुझे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए ना। मेरे हेल्थ के लिए मुझे हॉस्पिटल चाहिए, मेरे बच्चों के लिए मुझे स्कूल चाहिए, या फिर हमारे रिक्रिएशन के लिए हमें गार्डन्स चाहिए या फिर मॉल्स चाहिए।
ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है वहां पर एक हाईली स्किल्ड लोग जाना प्रेफर करते हैं। तो इसी वजह से ये कंट्रीज जो है ये अपने यहां पर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है उस ऑयल के पैसे को यूज करके, ताकि आगे चल के जब ऑयल में कुछ दिक्कतें आए तो उनकी बाकी के इकोनॉमी भी डेवलप हो जाए। तब तक कौन सी, टूरिज्म सेक्टर डेवलप हो जाए, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री वहां पे तब तक डेवलप हो जाए, तो इस वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्ट करते हैं। नहीं तो आप देखो सऊदी अरेबिया, यूएई, यहां पर ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, इस कारण की वजह से। ठीक है, चलो अगर इन देशों में अगर आप देखो तो क्या ज्यादा प्रीवेलेंट है यहां पे, मोनार्की है क्या? यहां के कई देशों में अभी भी मोनार्की है ना, राजा अभी भी है। बट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मोनार्की जो है वो हर बार खराब होती है, जरूरी नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया में देखो, सऊदी अरेबिया में मोनार्की तो है बट वो मोनार्की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट पे फोकस करने वाली है, अपने देश पे फोकस करने वाली है। जहां बाकी देश, अफ्रीका के देश मोनार्की के चलते बर्बाद हो गए, ये देश मोनार्की के चलते काफी डेवलप हो गया, मतलब एटलीस्ट पैसे के हिसाब से काफी आगे बढ़ गया। डेवलपमेंट तो नहीं हुई वैसे, क्योंकि जो मूलभूत राइट्स होते वो मिलना बहुत जरूरी, वो नहीं मिल पाए, बट पैसे के हिसाब से काफी आगे निकल गई है वेस्ट एशियन देश। तो मोनार्की होने के बावजूद डेवलपमेंट कैसी हो सकती है, इसका एक उदाहरण आपको यहाँ के कुछ कुछ देशों में मिल जाएगा। मगर मोनार्की की वजह से देश बर्बाद कैसे हो सकता है, वो आपको सीरिया में भी दिख जाएगा, हुआ कि नहीं बर्बाद। तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। एक अगर लाइन में निकाल दू यहां पर, तो देखो लाइन ये देखो, आप उस लाइन पे फोकस करना, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या आ रहा है इस लाइन में? इस लाइन में यहां पर अगर आप देखो तो पर्शियन गल्फ पूरा की पूरा इस लाइन पे आ रहा है। अगर आप देखो सेंट्रल, ये कैप्सियन सी भी उसी लाइन पे आ रहा है। ऊपर आप जाओ तो यूराल माउंटेन भी उसी लाइन पे आ रहा है। तो आप देखो ये पूरी की पूरी लाइन में क्या है, यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, क्या मिलता है इनमें, क्या मिलता है? ऑयल, नेचुरल गैस। अब तक तो आपको सिर्फ पता था कि पर्शियन गल्फ में बहुत ज्यादा ऑयल है, इस वजह से ये देश बहुत आगे, बट आपको क्या ये पता था कि कैस्पियन सी में भी बहुत ज्यादा ऑयल है? हमारी जो एक पाइपलाइन बनाने वाले थे हम लोग, तापी पाइपलाइन, याद है आपको, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, तापी पाइपलाइन जो नाम दिया था वो तुर्कमेनिस्तान से ही तो शुरू होने वाली थी, क्योंकि कैस्पियन सी वाला जो रीजन है ना, यहां पर ऑयल रिजर्व्स, ऑयल जो है, तेल जो है वो भरी मात्रा में मिल रहा है। ऐसा कहते हैं कि दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व सेंट्रल एशिया के अंदर स्थित है। आज तो खैर वेस्ट एशिया में बहुत सारा ऑयल मिल रहा है, बट ये जो कैस्पियन सी वाला एरिया है ना, यहां पर ऑयल की मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल छुपा हुआ है जिसको एक्सप्लोर करना भी बाकी है। तो ये इसके ऊपर देखो, ये क्या है, यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन में क्या मिलता है? यूराल माउंटेन भी अपने ऑयल रिजर्व के लिए जाना जाता है, नेचुरल गैस के लिए जाना जाता है। रशिया दुनिया का सबसे ज्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाला देश है, और उसका मैक्सिमम नेचुरल गैस जो है वो यूराल माउंटेन के आसपास मिलता है। ठीक है, तो ये एक लाइन याद रखना आप लोग, ये यूराल माउंटेन से लेके कैस्पियन सी और नीचे पर्शियन गल्फ, ये पूरी लाइन जो है ये तेल वाली लाइन है, यहां पे तेल और नेचुरल गैस ये मिलता है, इसी वजह से इन देशों में डेवलप। अब ये तो चलो, यहाँ पे ऑयल बहुत सालों से इन्होंने इनको मिल रहा है, कम से कम 40-50 सालों से इन्होंने ऑयल निकाल लिया, तो ये देश फटाफट जो है अमीर हो गए। अब इन देशों की बारी है, ये जो है ना दिख रहे हैं आप, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह, कजाकिस्तान, इन देशों में भी अभी वो ग्रोथ शुरू हो चुकी है। जो ग्रोथ यहां पर हो रही थी ना, वो सेम ग्रोथ यहां पर भी अभी वो शुरू हो चुकी है। इट्स जस्ट दैट जो ऑयल मिल रहा था वो अभी अभी मिलना शुरू हुआ है वहां पे ज्यादा मात्रा में, तो यहां पर भी डेवलपमेंट बनना शुरू हो चुकी है। रशिया, रशिया की अगर हम बात करें तो एक सवाल जो निकल के आता है हर बार कि यार ये रशिया जो है, इतनी बड़ी जमीन होने के बावजूद ये इतना डेवलप क्यों नहीं हो पाया, ऐसा क्यों हुआ कि 20वीं शताब्दी आते आते रशिया की डेवलपमेंट रुक सी गई बिल्कुल, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में हो नहीं पाई, ऐसा क्यों, रशिया की क्या प्रॉब्लम थी भला? तो सोशलिज्म अगर बुरा था तो हमने सोशलिज्म क्यों अपनाया?
दूरी बनानी पड़ी हमें सोशलिज्म से 1991 के बाद। वो तो यूएसएसआर का जब विभाजीकरण हुआ तब हमें समझ में आया कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो हमने फिर पूर्व पूंजीवाद की तरफ हम गए। पॉपुलेशन की कमी होने के, देखो पॉपुलेशन की कमी तो कई सारे ऐसे देश है जिसमें पॉपुलेशन की कमी, ऑस्ट्रेलिया में भी पॉपुलेशन बहुत कम है बट डेवलप तो हुआ। यहां पर पहली बात तो सोशलिज्म था। सोशलिज्म में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो गवर्नमेंट थी वो डिसाइड करती थी कि आपको कौन सा अनाज कितना कितनी मात्रा में ग्रो करना है। वो ग्रो करने के बावजूद जो लेट्स से आपने, इन्होंने प्रॉफिट ज्यादा कमाया इन्होंने प्रॉफिट कम कमाया, फिर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होना वगैरह ये सब होता था। तो लोगों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था, मैं अगर बहुत ज्यादा मेहनत लूं तो मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। ऐसा था कि मैं अगर बहुत ज्यादा मेहनत लूं और ये कुछ नहीं मेहनत ले रहा फिर भी हम दोनों को इक्वल रिसोर्सेज मिलेंगे। तो ये तो फिर आप जो नई सोच है या फिर जिन लोगों को आगे बढ़ना है उनको आप चालना नहीं दे रहे हो ना भाई। आगे बढ़ने का कुछ तो होना चाहिए ना, मोटिव होना चाहिए। एक तो मैं पैसा ज्यादा कमाऊं या फिर मैं कोई डेवलपमेंट ज्यादा करूं, वो सारी चीजें वहां पे रुकी हुई थी। तो यहां पर कच्चा माल जो है उसको एक्सपोर्ट, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में फोकस नहीं किया। और एक कारण बताता हूं, टेक्नोलॉजी दो तरीके की होती है। एक होती है टेक्नोलॉजी जो सिविलियन ग्रोथ के लिए यूज होती है और एक टेक्नोलॉजी जो मिलिट्री ग्रोथ के लिए यूज होती है। तो इन्होंने कोल्ड वॉर जो शीत युद्ध जो चल रहा था, तो शीत युद्ध के चलते यूएसएसआर ने क्या किया, अमेरिका के साथ कंपटीशन करते करते ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्होंने कहां खर्च किया, मिलिट्री वाले टेक्नोलॉजी में। तो इनके पास आज भी देखो आप एक से बढ़कर एक एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे, रशिया के पास एक से बढ़कर एक एयरक्राफ्ट होंगे, मगर क्या इनके पास सिविलियन टेक्नोलॉजी उतने प्रमाण में डेवलप हो पाई क्या? तो इन्होंने सिविलियन वाली टेक्नोलॉजी, मतलब भाई जैसे खेत है तो खेत के अंदर एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी जो यूरोप में मिलती है वो टेक्नोलॉजी रशिया में नहीं आ पाई। इसी के साथ साथ औद्योगिकरण के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो भी टेक्नोलॉजी यहां पर उनके खुद के देश में डेवलप नहीं हो पाई। इन कारणों की वजह से सिविलियन टेक्नोलॉजी यहां पर डेवलप नहीं हो पाई और ये देश जो है वो रुक सा गया। सिर्फ मिलिट्री के चक्कर में आप, फिर हुआ क्या यहाँ पे, लोगों को खाने की दिक्कतें आ गई बट मिलिट्री वाइज ये देश बहुत आगे निकल गया। अब लोगों की चिंता क्या थी, आप मून पे एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हो, आप अलग अलग मिशन प्लान कर रहे हो, क्योंकि वो 1960 वाला जो दौर था वो ये भी था कि अपोलो मिशन हो रहा था, ये मिशन हो रहा था, सबको चांद पे जाना था। यूएसएसआर और यूएस के बीच में रेस लगी थी कि चांद पे कौन पहले पहुंचेगा। तो वो टेक्नोलॉजी में यूएसएसआर खर्च पे खर्च किए जा रहा है बट उनकी पब्लिक भूखी मर रही है। तो लोगों का भी उसमें उद्रेक हो गया, लोगों को भी वो सोशलिज्म वाली जो प्रथा थी वो पसंद नहीं आई, पूंजीवाद की तरफ लोग ज्यादा झुकने लग गए। तो इस वजह से यूएसएसआर को तोड़ना काफी आसान हो गया। तो उसमें से टूट के कुछ देश निकल के आ गए, लाटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारे देश फिर धीरे टूट के जो है वो यूएसएसआर से निकल के आ गए। तो ये कारण था उसके पीछे, टूटने के पीछे। इसके बाद जापान वाला तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिया। इंडिया के बारे में तो चलो आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। एक बात बताओ मुझे, चाइना में, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, इसके बाद छोड़ दूंगा। चाइना में बताओ मुझे, कम्युनिज्म होने के बावजूद ऐसा क्या है कि चाइना फिर भी इतना तेजी से ग्रो कर रहा है? इकॉनमी तीन टाइप की होती है। एक तो आप जो प्राथमिक होता है, कृषि प्रधान देश होता है, कोई कोई औद्योगिकरण को ज्यादा सपोर्ट करता है, कोई सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करता है, औद्योगिकरण को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और चाइना के साथ एक दूसरी खासियत भी है कि यहाँ पर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ना, पता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ये ऐसे मिनरल होते हैं, आपको मोबाइल बनाना है, आपको चार्जर बनाना है, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाना है, तो उसकी जो स्क्रीन बनानी होती है उसके अंदर जो बैटरी लगती है उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं। वो एक ऐसे मिनरल्स होते हैं जो मोबाइल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है उसमें यूज होता है। सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट लगेंगे। दुनिया का 50% से भी ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना में ही मिलता है, मतलब चाइना की उसमें मोनोपोली है बिल्कुल।
दुनिया का आज की तारीख में करीब करीब 80% जो एक्सप्लॉयटेशन है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का वो चाइना करता है। इतना ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स होने की वजह से हुआ क्या है ना, जब वैश्वीकरण हुआ तो उस वैश्वीकरण में जो दुनिया में सारे दुनिया में जो जो इंडस्ट्रीज बनी हुई थी, वो एप्पल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई गूगल हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उनको जब भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हम बनाना था, मतलब जो उनको अपनी इंडस्ट्री बनानी थी, वो जाके चाइना में ही बनाते थे क्योंकि वहां पे सस्ता पड़ता था उनको बहुत। इवन ईवी व्हीकल है, एलॉन मस्क की जो कंपनी है वो वहीं पर है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होती क्योंकि वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। चाइना को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, ठीक है। और चाइना का कोस्टल एरिया भी बहुत बड़ा है, 14,000 किलोमीटर की तो उनकी कोस्ट लाइन है, तो पैसिफिक से जुड़े हुए हैं, इस वजह से यूएस के साथ ट्रेड करना आसान है, जापान के साथ ट्रेड करना आसान है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करना काफी आसान है ना। तो ये सारे कारण की वजह से चाइना का डेवलपमेंट फटाफट हुआ, कम्युनिज्म के चलते भी, कम्युनिज्म होने के बावजूद। देखा जाए तो चाइना एकदम स्ट्रिक्टली कम्युनिज्म नहीं है, कम्युनिज्म के साथ साथ उन्होंने पूंजीवाद को भी पकड़ के रखा हुआ है, वो पूंजीवाद को भी उतना ही बढ़ावा देते हैं क्योंकि कैपिटलिस्टिक टेंडेंसीज की वजह से ही तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारे कारण। तो चलो फिर आज रुकते हैं यहाँ पे, बोलने के लिए तो फिर और एक घंटा निकल जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट मैंने आपको एक मोटा मोटी फिर भी चीजें बता दी। थैंक यू।